गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा बेटर बेटो जैसा बेटर गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स लास्ट क्लास में कौन एब्सेंट था एक तो सक्षम वाजपेयी था जल्दी हेलो नैतिक जल्दी बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी प्लीज टेल मी लास्ट क्लास में कौन एबसेंट था कोमल हेलो बेटा एक वाजपेयी जी एब्सेंट थे बाकी सब प्रेजेंट थे राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट आज एक क्लास स्टार्ट करें बेटा गुड इवनिंग अर्षिता ओके okay, जी जी आपने चैट बॉक्स में लिख दिया जो जो बच्चे एबसेंट थे जिसपी मजबूरी की वजह से ठीक है जी आइए क्रिश इंद्रप्रीत हमने करा था लास्ट पैसा रोटेट करता है उसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो क्यों मैं कृष मुकुल क्लास स्टार्ट का है ना बेटा पैसा रोटेट करता है मैंने एग्जांपल दिया ना कोमल डैड का पैसा मम्मी के पास कोमल के पास फिर फीस दी मेरे पास आया वो आप पैसा आगे आगे रोटेट करता है उसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो यस सर नो सर है ना बेटा ओके फ्लो। सचिन सर ने फर्स्ट सेक्टर का नाम क्या बताया था टेल मी फास्ट मी फास्ट सचिन सर ने फर्स्ट सेक्टर का नाम क्या बताया था रोशन गुड इवनिंग बेटा फर्स्ट सेक्टर क्या था फॉर्म सेक्टर फर्म मैं जो गुड सर्विसेज बनाता है आज आप देखना क्लास आज की मोस्ट इंपोर्टेंट है ओके सिस्टी ओके देवांशी सारे बच्चे आ गए मेरे शतान सारे आ गए यस yes, सारे शतान आ गए ओके पहला सेक्टर फर्म मैं जो गुड सर्विसेज बनाता है ओके okay. आप कौन है जल्दी रोशन रोशन नहीं था आपको पता है दूसरा आप कौन है हाउस होल्ड कस्टमर सबका रिप्लाई चाहिए सारे मेरे अच्छे बच्चे शतान बच्चे हैं ओके okay. मैं मोहित फर्म जो गुड सर्विसेज बनाता है आप कौन हो लतिका ऋषिका आप कौन हो हाउस होल्ड कस्टमर ओके जतन थर्ड सेक्टर कौन होता है जो भी थर्ड गवर्नमेंट अब्रॉड गलत लिखे किसी बच्चे ने मैंने बोला था इनकी नंबरिंग फिक्स होती है ओके नंबर वन फॉर्म ही रहेगा टू हाउस होल्ड ही रहेगा ओके थ्री नंबर पे गवर्नमेंट फोर नंबर पे बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड ओके अपनी यस बेटा फर्म मैं जो गुड्स एंड सर्विसेस बनाता है आप हाउस होल्ड कस्टमर गवर्नमेंट मोदी अंकल कोई भी गवर्नमेंट हो सेंट्रल स्टेट लोकल कोई भी हो फोर्थ आर ओ डब्ल्यू की फुल फॉर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड ओके ठीक है अब अब मेन बात सुनना हर्षिता चारवी सुनना चारवी मैंने बताया था सुनना क्लास स्टार्ट करो सचिन सर ने बताया था अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो टू सेक्टर तो आप ये बताएंगे थ्री तो ये फोर तो ये है ना बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है एक्सप्लेन सर्कल फ्लो इन टू सेक्टर तो अब बेटा ये मोहित अगर लिखा हो थ्री तो ये बेटा फोर तो ये चारों ठीक है जी अब अब मेन बात हमारे कोर्स में ही सेक्टर है फोर सेक्टर थ्री सेक्टर नहीं है ओके टीचर करवाना दे टीचर करवाना दे डिलीट हुए फाइव चुके हैं ओके अमन ओके गुप्ता साहब सब रिप्लाई दे दो यार मान्या जल्दी रिप्लाई वैभव वरोड़ा रॉबिन भाई लिशिका और किसका रिप्लाई नहीं आया रॉबिन का आ जाएगा भी रिप्लाई सलूजा साहब इंदर निशित ओके बेटा जी नहीं रक्ष मैंने बोला बेटा फाइव हो चुके हैं बट हमारे बहुत सारे ऑथर ने बुक में डाल रखा है टीचर भी करवा देते हैं क्यों तो टाइम वेस्ट करें ओके निशित हमारे कोर्स में टू सेक्टर है थ्री सेक्टर नाम है सिर्फ हर्षिता चार बी गगन भाई नाम है चार सेक्टर्स के लेकिन एक्सप्लेनेशन टू सेक्टर की है ओके बाकी एक्सप्लेनेशन टू सेक्टर की है थ्री फोर नहीं चलिए जी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट सुनिए कल वाली बात पूरा करते हैं अच्छा जल्दी रिप्लाई जो बच्चे थे, वो भी रिप्लाई दे पाएंगे ठीक है और अब मैंने जैसे बताया आर्यन को आज की अच्छा, से फैक्ट्री किसके पास होती है जल्दी एक अल्फाबेट लिख दो फैक्ट्री किसके पास है आपके पास मेरे पास साक्षी मेरे पास आप मुझे क्या दोगे एफओपी याद है कल वाली बात सबका रिप्लाई चाहिए सारे मेरे अच्छे बच्चे हैं कोई चुप नहीं रहेगा निशित ओके फैक्ट्री किसके पर रोशन मेरे पास तो लिशिका और चार कोमल रीति मुझे क्या देंगे एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने छे होते हैं दस होते बीस होते पचास कितने होते हैं नैतिक हिमाक्षी कितने होते हैं एफओपी चार होते हैं वेरी गुड लैंड लेबर कैपिटल ओनर आंट्रपेनुअर वेरी गुड फैक्ट्री मेरे पास है तो आप मुझे क्या दोगे सचिन सर लैंड ले लो फैक्ट्री लगाओ सचिन सर लेबर लो सचिन सर कैपिटल लो सचिन सर ओनर लो ओके आपने मुझे एफओपी दिए मैं क्या दूंगा आपको एफओपी की पेमेंट राइट गिवन टेक

टेंशन नहीं रिकॉर्डेड मिल जाएगा और मेरे बैचेस चल रहे हैं आपको मिल जाएगी ओके टेंशन नहीं अच्छा अच्छा बात चल रही थी आशी से चारवी से चारवी से बात चल रही थी गगन से बात चल रही थी एक समान आया एक समान गया तो इस टू साइड वाले को क्या बोलेंगे ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम याद करो रोशन भाई वाजपेयी साहब रुद्राक्ष याद करो दक्ष को आता है रॉबिन भाई ओ एक, एक का नाम थोड़ा लूंगा मैं याद आया एक समान आया एक समान गया एक समान आया एक समान गया लिशी का पुत्र इसे क्या बोलते हैं टू साइड वाली लेटर फैक्टर इनकम ओके वेरी गुड सब बच्चों का जवाब आ रहा है आ रहा है मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे है आपने मुझे क्या दिया एफओपी सचिन सर एफओपी की पेमेंट देंगे सचिन सर देंगे एफओपी की पेमेंट लैंड को किराया लैंड को किराया लेबर को सैलरी वेजेस कैपिटल पे इंटरेस्ट से ओनर को प्रॉफिट यस सर लैंड को किराया रीति लेबर को सैलरी वेजेस कैपिटल पे इंटरेस्ट ओनर को प्रॉफिट एक बार और सुनना मोहन भाई कभी भूलना मत मोहन भाई जो बंदा फिजिकल काम करता है वेजेस मेंटल सैलरी ओके मोहन भाई वो नहीं होता पर डे मिले पर मंथ मिले ओके okay? ओके okay, मोहन भाई अपनी बेटा जो बंदा फिजिकल वर्क करता है दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू हैव वेजेस मेंटल वर्क करता है सैलरी ओके okay. जी कुक फिजिकल वेज फिजिकल वर्क है चालबी ने पूछा कुक फिजिकल वर्क है मैं मेंटल वर्क कर रहा हूं ओके okay जी एफओपी दिए सचिन सर एफओपी की पेमेंट दी ओके okay सलूजा साहब आपने एफओपी एफओपी की पेमेंट अच्छा दूसरी बात मैं आपको सामान बना के दूंगा मैंने रोशन को मैंने वाजपेयी साहब को सामान बना के दिया रोशन जी सामान ले लो वाजपेयी साहब सामान ले लो क्योंकि okay, तो फैक्ट्री मेरे पास है वाजपेयी जी मुझे पेमेंट कर देंगे आपने मुझे एफओपी दिए मैंने एफओपी की पेमेंट दी आराम से सुना जी आपने मुझे एफओपी सचिन सर एफओपी रख लो फैक्ट्री लगाओ, सचिन सर आपको एफओपी की पेमेंट करेंगे ओके, सचिन सर फैक्ट्री के ओनर फॉर्म सचिन सर आपको गुड सर्विसेज बना के देंगे आप उसकी पेमेंट दोगे लो जी ये देखो गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट रॉबिन रौ, भाई पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये हमारा टू चैक्टर पूरा हो गया थ्री फोर कट चुके हैं मैंने बता दिया फाइव फियर्स हो चुके हैं ओके अब मैं बात को पूरा करता हूँ पूरा करता हूँ कोमल बेटा रुकी है, को करते हैं जैन साहब दिवानशी बेटा मैंने बोला दिवानी पुत्र आपके सामने क्या बोलू बेटा आपके सामने बोर्ड का पेपर चक्र खड़ा हुआ है ठीक है बेटा अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस भेज दूंगा ठीक है जी थी? बस मेरे से क्वेश्चन पेपर मत मांग लेना ठीक है क्वेश्चन पेपर मत मांग लेना शैतान तो आप हो मुझे पता है डे वन से शैतान है आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट ठीक है विवांशी कह रही है हमको थ्री सेक्टर करवा दिया है नहीं बेटा टू सेक्टर आएगा टू सेक्टर आएगा।, आएगा थ्री फोर डिलीट हो चुका है बिलीव मी सचिन सर आपको दे देंगे चलिए मैं आप हाउस होल्ड जरा जल्दी करना समझाने के लिए इसके अंदर एक बात बतानी है कंप्लीट फिर आज के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ओके उदय जल्दी जल्दी आप मुझे क्या दोगे जल्दी जल्दी करो जल्दी करो रीति फर्स्ट आ रहे हैं ये हमेशा दर्श फर्स्ट कैसे आते हैं रोशन जल्दी आप मुझे क्या दोगे एफओपी सचिन सर एफओपी ले लो फैक्ट्री लगाओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ओनर शाबाश सबका रिप्लाई आ रहा है जी ओके सचिन सर क्या देंगे आपको साक्षी फास्ट आपने मुझे एफओपी दिए सचिन सर उसकी पेमेंट देंगे सचिन सर देंगे एफओपी की पेमेंट फैक्टर पेमेंट रेंट लेबर रेंट लैंड को वेजेस सैलरी लेबर को इंटरेस्ट कैपिटल पे प्रॉफिट मालिक को ओके ठीक है जी मैं आपको क्या बना के दूंगा मैं आपको क्या बना के दूंगा ये तो एक साइकिल हो गया एफ मेरे पास पेमेंट आपके पास मैं आपको क्या बना के दूंगा मैं आपको बना के दूंगा गुड्स एंड सर्विसेस मैं आपको मैन्युफैक्चर करके दूंगा गुड्स एंड सर्विसेस और आप उसकी पेमेंट करोगे आप उसकी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेस हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया अब सुनना अवनी रिप्लाई नहीं आ रहा अवनी आर यू देयर अवनी बेटा आर यू आपका एक रिप्लाई भी नहीं आ रहा yes, अच्छा ओके okay, बेटा ठीक है निश्चित का रिप्लाई भी कम है चलो अच्छा सुनिए अच्छा अब हर बुक में हर बुक में ये है हमको लर्न भी हो गया दस मिनट के अंदर अब मेरी बात सुनना समान के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो पैसे के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो ओके जतन अब इसके अंदर लिखेंगे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ पार्ट में लिखा हुआ चित्र में नहीं लिखा हुआ हम लोग चित्र में लिखेंगे दूसरों से अलग होंगे राइट राइटी हर बुक में यह बना दिया छोड़ दिया काम खत्म वो वर्ड नीचे थ्योरी में है हम लोग अगर इसके अंदर लिख देंगे तो चार भी बेटा भीड़ से अलग हम अपना इंप्रेशन दे पाएंगे तो मैंने क्या याद करवाया उमेश को उदय को समान के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो याद हो गया फिर उसके अंदर लिखना है पहले याद तो करवाओ मैं साक्षी को समान के फ्लो को क्या बोलते हैं रियल फ्लो पैसे के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो ओके जी सर ये देखो तो ये समान है रियल फ्लो ये भी समान है रियल फ्लो ओके okay. साक्षी बेटा ये समान रियल फ्लो ये समान रियल फ्लो ये पैसा गया मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो ये भी पैसा गया नॉमिनल फ्लो मनी फ्लो राइट ओके मंतेज समान रियल समान रियल पैसा मनी पैसा मनी स्क्रीनशॉट जल्दी भी जल्दी स्क्रीनशॉट रोशन वाजपेयी साहब सलूजा साहब जल्दी एंड रिप्लाई डन 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 जल्दी उत्तर रियल फ्लो लिख दिया रियल फ्लो लिख दिया मनी फ्लो लिख दिया मनी फ्लो लिख दिया डन 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 जी वैभव वैभव कोई डाउट भाई वैभव कोई डाउट है भाई जी हर्षिता एफओपी में कैपिटल भी है हर्षिता जी एफओपी में कैपिटल भी है बिना पैसे के कैसे बिजनेस चलेगा लैंड चाहिए लेबर चाहिए पैसा चाहिए और ओनर चाहिए ओके हर्षिता सुनो सुनना आराम से आराम से सचिन सर ने बेटा अटेंटिव हो जाना क्वेश्चन पूछूंगा विनर को हाँ हर्षिता ठीक है ठीक है ठीक थी, ठीक है ठीक है नहीं बेटा दक्ष कैपिटल हमारा हुआ सर्विस और जो उसके पैसे मिले वो हमारा हुआ मनी फ्लो ओके दक्ष मैंने आपको दक्ष मेरा यही क्वेश्चन अभी दक्ष मेरा यही क्वेश्चन है तो पहले मेरा सस्पेंस मत खोल सुनिए तो मैंने अभी क्या याद करवाया सुनिए आर्यन सामान को बोलते हैं रियल फ्लो पैसे को बोलते हैं मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो यस सर नो सर है ना सामान हमारा रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो और यार रियल बोल फिजिकल बोल प्रोडक्ट बोल सिनोनियम्स है ते जो पैसा होता है मनी फ्लो मॉनिटरी ओके अब सुनना मेरी बात सुनिए बेटा नॉर्मली क्या होता है एक फ्लो जाता है रियल एक फ्लो आता है मनी आराम सुनना क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो रहा है नॉर्मल साइकिल में क्या होता है अग्नि बेटा रियल फ्लो जाता है मनी फ्लो आता है ओके okay, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं रियल आप मुझे पैसे दे रहे मनी यस सर नो सर जल्दी कैच करो नॉर्मली आई यूज द टर्म अमन नॉर्मली इंदर आपने केमिस्ट को पैसे दिए मनी दवाई मिली रियल ओके okay? आपने पैसे दिए मनी टीवी खरीदा फ्रिज खरीदा रियल फ्लो ओके नॉर्मली ऐसा होता है सलूजा साहब यहां लिख रहा हूं नॉर्मली क्या होता है रियल फ्लो जाता है और पैसे वाला फ्लो आता है नॉर्मली ठीक है जी अब फ्रेम हो गया रुकिए क्रिश रुकिए क्रिश रुकिए क्रिश रुकिए सही ट्रैक पे क्रिशा वेरी गुड क्रिश रुकी। सही ट्रैक पे है।, ट्रैक पे, है। ओके जहां पे डाउट पूछ लेना अनम्यूट कर लेना ओके अर्षिता विपुल पता आपको नॉर्मली समान गया पैसा आया तो मुझे ऐसा एग्जांपल देंगे दिशा जहां पैसा आता है पैसा आता है जल्दी। फास्ट मान्या रुद्राक्ष एक एक का नाम लू क्या गगन भाई दीपांशु ऐसा कौन सा साइकल है? मनी जाती है मनी आती है मैं हिंट दे रहा हूं फिर भी नहीं बोल पा रहे महक जोरी साक्षी तनवी 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 का रिप्लाई कम है पैसा गया पैसा आया पहला सही बोला लोन आई एम इंप्रेस पहला लोन सोच के देखो कैश आता है कैश आता है लोन कैश आता है कैश जाता है बैंक राइट right? बैंक में नैतिक कैश जाता है कैश आता है रोशन रिप्लाई कम है रोशन रिप्लाई कम है वेरी गुड करेंसी एक्सचेंज आई एम आई एम गेटिंग इंप्रेस आई एम गेटिंग इंप्रेस शेयर मार्केट शेयर मार्केट करेंसी एक्सचेंज एक मनी दी एक मनी ली करेंसी एक्सचेंज बैंक में पैसा जमा करवाया पैसा निकलवाया लोन कैश में आया कैश में वापस करा वेरी गुड इंश्योरेंस शेयर मार्केट सचिन सर इंप्रेस हो रहे हैं अपने शैतानों से ओके गैम्बलिंग ओह ये हमारा निश्चित गैम्बलिंग वेरी गुड ये बहुत शैतान है वेरी गुड निश्चित आप सही एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर रियल गया रियल आया एक ही एक एग्जाम्पल होता है आशीष अवनी जल्दी गुप्ता साहब जल्दी अनु पैसा गया पैसा आया बैंक पैसा गया पैसा आया शेयर मार्केट लोन कैपिटल शेयर मार्केट करेंसी एक्सचेंज अब वेरी गुड जहां पे गुड्स जाती है गुड्स आती है पार्टर सिस्टम ओके गुड्स जाती है गुड्स आती है पार्टर सिस्टम तो ये देखो बेटा मनी गया मनी आया उसके एग्जांपल मेरे बच्चों ने बताए लोन बैंक डिपॉजिट्स बैंक डिपॉजिट शेयर मार्केट करंसी ओके, okay. और अभी बताया रियल गया रियल आया समान गया समान आया उसका एक ही एग्जाम्पल है वाजपेयी साहब वो हमारा है बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम सुनिए बात वो, सुनिए निशित चारवी बाटर का सुनिए मेरी बात आगे चैप्टर्स में आएगा मैक्रो के अंदर हर्षिता बेटा तनु बेटा बाटर सिस्टम का अदर नेम होता है सीसी सिस्टम ओके okay? बोलो ओके okay? साक्षी उत्तर बाटर का अदर नेम होता है सीसी सिस्टम एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी सीसी सिस्टम बोलते हैं सीसी सिस्टम बोलते हैं कमोडिटी फॉर कमोडिटी राइट ठीक है को so, अनवी नॉर्म तो पेपर में आ सकता है पेपर पेपर में आ सकता है हेलो सेवन ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक आ जाइए सेवन ओ क्लॉक ठीक है या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कोई बात है ठीक है ओके बेटा जी तो पेपर में क्वेश्चन को आराम से पढ़ना सुनिए पेपर में लिखा होगा तनु नॉर्मली क्या होता है तो लिख के आना एक रियल जाता है मनी फ्लो आता है ओके सब बच्चे ओके का जवाब कैच करवा देंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मली फ्लो कैसे होते हैं तो आशी बेटा नॉर्मल रियल जाता है मनी आता है ओके मंतेज रॉबिन उसने पूछा ऐसे एग्जांपल दो जहां पे दोनों जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग भी मनी हो मनी हो ओके okay, मनी गया मनी आया एग्जाम्पल ये रे ओके रियल गया रियल आया ये रहा ठीक है स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट रेस करे आगे बढ़े फिर डन 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 ओके ओके अल बेटा एक डाउट आया इंद्र भाई को डाउट तो नहीं हाँ बेटा एक्सचेंज एक मिनट बेटा एक्सचेंज जो होता है वो बाटर ही हुआ बस उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ठीक है जी विपुल जी विपुल जी पूछना चाहते हैं विपुल का डाउट है विपुल हमने एक कार दी एक कार ली एक कार दी एक कार ले दी बाटर है उसमें एक रुपये भी इन्वॉल्व हो गया तो वो मनी है नहीं तो वो बाटर है राइट ओके okay ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है बेटा आगे लॉ में पढ़ोगे हंड्रेड परसेंट गुड्स गई हंड्रेड परसेंट गुड्स आई या सर्विस आई उसे बाटर बोलते हैं ओके okay? एक रुपया भी इन्वॉल्व हो गया दैट इज मनी सिस्टम राइट चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं नैतिक जी देखिए सलूज़ा साहब क्लियर है बेटा क्लियर है अब क्लियर है ठीक है टेंशन नहीं मुझे टेंशन ज्यादा आपसे ज्यादा इकोनॉमिक टेरिटरी ध्यान देना जी महक बेटा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा ओके निशित हाथ जोड़ के विनती है ध्यान देना अभी गुलाटी ने आधे घंटे में क्या करवाया सर्कुलर फ्लो याद करवाया पह, पहले मुझे बात सुनना क्लियर बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा अभी हाफ एन आवर हो चुका है हाफ एन आवर में गुलाटी सर ने टू सेक्टर याद करवाया सामान के फ्लो को रियल फ्लो बोलते हैं पैसे के फ्लो को मनी फ्लो मनी फ्लो बोलते हैं रियल फ्लो जाता है मनी फ्लो आता है रियल गया रियल आया एग्जाम्पल मनी गया मनी आया एग्जाम्पल एक बार लिख दें क्लियर एक बार लिख दें क्लियर डाउट तभी आगे चलूंगा मैं जल्दी सचिन सर ने हाफ एन आवर में ये करवाया उदय को रॉबिन को बाकी शतानों को सर्कल फ्लो टू सेक्टर थ्री फोर कट चुका है समान, रियल फ्लो पैसा मनी फ्लो रियल जाता है मनी आता है एग्जाम्पल दिया रियल गया रियल आया मनी गया मनी, गया, मनी आया जल्दी जल्दी आई एम वेटिंग फॉर योर प्रीश रिप्लाई अपनी बेटा ठीक है रिप्लाई दे दिया करो बेटा चलिए अब देखिए देखिए सबका रिप्लाई आ गया इकोनॉमिक टेरिटरी सुनना जी इकोनॉमिक टेरिटरी दिशा हमें इकोनॉमिक टेरिटरी लगता है कि जो हमारे कंट्री की बाउंड्री है वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी है है ना जी यही लगता है ना ये हमारा जो इंडिया हमारा जे एन के हो गया यहाँ पे बॉर्डर यहाँ बॉर्डर यहाँ बॉर्डर यहाँ बॉर्डर उसके अंदर हमारा इंडिया वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है बेटा वो एक पॉइंट है चार टेरिटरीज और होती हैं जल्दी थोड़ा रिप्लाई में ध्यान देना थोड़ा इंपॉर्टेंट खतरनाक टॉपिक लॉजिकल टॉपिक स्टार्ट हो चुका है टॉपिक क्या भाई इकोनॉमिक टेरिटरी ओके वाजपेयी साहब तनुपुत्र इकोनॉमिक टेरिटरी हम सोचते हैं जो देश की बाउंड्री है जे के अंदर क्योंकि जे के पार तो पाकिस्तान है उधर अफगानिस्तान है हमारा बॉर्डर एरिया राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात वो एक हुआ उसे बोलते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री जोग्राफिकल बाउंड्री वो तो है टोटल पांच टोटल पांच हमारी होती है इकोनॉमिक टेरिटरी हाँ, हाँ सुन गया अंदमान निकोबार तुझे वही भेजेंगे हम, चिंता ना कर अंदमान निकोबार्पल अच्छा देखिए बेटा आराम समझना पांच तो मेरे प्यारे शैतानों ने डिजिट दिमाग ली आशी बेटा पांच हमारी इकोनॉमिक टेरिटरीज होती है पांच इंडिया की नहीं ऐसे पाकिस्तान की पांच होंगी ओके कोई भी देश की को मिला के बोल दे इकोनॉमिक टेरिटरी ओके सचिन सर चुप, चुप 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 मुझे बताने दो हर्षित भाई पहला जोग्राफिकल बाउंड्री नोटिंग नहीं अभी क्योंकि तो हम तो लर्न करते हैं अश्वीत मोहित जॉग्राफिकल बाउंड्री इसका मतलब हमारा लैंड बॉर्डर तुम लोग एक वाई लिख दोगे यस सर एंड नो आर रिपीट तो मैं थोड़ा सा चार्ज हो जाता हूं ठीक है दिशा पता ही आपको अनन्या लर्न होता साथ साथ ओके बाबा भाई लतिका पुत्र सारे तो ठीक है जी ओके निश्चित तनवीर जी पहला क्या लिखा सचिन सर ने जोग्राफिकल बाउंड्री हमारा लैंड बॉर्डर जो हमारा जोग्राफिकल बाउंड्री लैंड बॉर्डर इसमें दो चीजें और आती है जतिन भाई एयर एंड वॉटर बाउंड्री आराम से समझना जी आराम से जतिन जी जोग्राफिकल बाउंड्री ओके एयर वाटर बाउंड्री सुनना चुप 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 रिप्लाई बंद उदय भाई सुन उदय भाई देख ये एयर वाटर कितना आराम से मेरी बात समझना उदय भाई मैं ना खड़ा हूं बीच पे मैं मुंबई के बीच पे गोवा के बीच पे खड़ा हूं पानी पानी है हवा हवा है सुनना ओके okay? मैं क्या समझा रहा हूं, अर्शिता एयर वाटर कितने हमारे इंडिया की मानी जाती है सुनना मैं खड़ा हूं किसी बीच पे खड़ा हूं मुंबई बीच है गोवा बीच है मैं बीच पे खड़ा आगे पानी पानी है हवा हवा है कितना पानी कितनी हवा हमारी होती है बेटा उस बीच से 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल पानी और हवा हमारी है एक नॉटिकल माइल में दो किलोमीटर होता है ओके कितना बेटा बीच में खड़ा होके पहले मेरी बात सुन लेना पहले मेरी बात सुन लेना बीच में खड़े होके पानी 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 ऊपर हवा 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 कितनी मारी है बारह नॉटिकल माइल वेरी गुड चारवी बारह नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर तक पानी 24 किलोमीटर तक हवा हमारी है उसके आगे किसी और देश की होगी ठीक है जी नॉटिकल माइल 12, एक नॉटिकल माइल में दो किलोमीटर होते हैं बात समझ अभी अभी डाउट मत पूछना डाउट छोड़ूंगा ही नहीं मैं ओके जी ये बीच पे खड़े हो गए बारह नॉटिकल माइल पानी हमारा हवा मारी बारह तक रुकिए बेटा रुकिए बेटा बीस से आगे बारह नॉटिकल माइल पानी हमारा हवा मारा उसके आगे किसी और देश का होगा किसी और देश का होगा अभी डाउट पूछना मना है डाउट पूछना मना है सुनिए कंट्री ट्री बारह माइल इसका यहां से बारह इसका ठीक है जी थी? बारह नॉटिकल माइल इसका बारह इसका, इसका बाकी जो बच गया उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर कल को मान लो इतना हवा है इतना पानी है बहुत ज्यादा अभी मैंने हिमाक्षी को डाउट पूछने मना करा क्योंकि मैं डाउट छोडूंगा नहीं ठीक है बेटा जी बारह इंडिया का, मैं का बीच में बहुत सारा है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वॉर्डर इंटरनेशनल एयर किसी देश का कब्जा नहीं होता बारह मेरा बारह मेरा रुकी हर्षित रुकिए बारह मेरा है बारह इसका है बीच में जो हवा बच गई पानी बच गया कितना भी इंटरनेशनल वॉटर बोलते हैं इंटरनेशनल एयर बोलते हैं किसी देश का कब्जा नहीं होता ओके okay? अब दूसरा रुकिए, दो देशों के बीच में इतना पानी है ही नहीं तीन नॉटिकल माइल है चुपकी भी देश है तो आधा आधा या सर नौसरा बोल देंगे अब या सर नौसरा बोल देंगे ओके okay? ये वर्ल्ड रूल है ये ने UN करा कोई देश चिपके हुए हैं उनमें दो किलोमीटर है तो आधा 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 उसका आधा मेरा सर अब सर, अब बोलेंगे डाउट अब पूछेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी देश की नहीं चलती ओके इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी देश की नहीं चलती बेटा किसी देश की नहीं चलती ओके इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी देश की नहीं चलती okay, बेटा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर दूर है बेटा ओके इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर दूर है ये इंडिया ओके गगन भाई ये श्रीलंका ये सचिन सर बता रहे हैं इंटरनेशनल रूल जो यूएनओ ने स्टैब्लिश करे हैं ओके एक मिनट दीवानशी बेटा बताओ हम लोग खड़े हैं बीच में अब इंडिया तो एयर वाटर बाउंड्री कितनी है जल्दी बताओ अलू आपकी गई हम लोग बीच पे खड़े हैं आगे पानी पानी है एयर एयर है कितना बेटा नॉटिकल माइल चार भी वेरी गुड रोशन भी जवाब दे रहा है श्रीलंका का भी कितना है क्रिशांकी बारह नॉटिकल माइल मतलब चौबीस किलोमीटर इसका चौबीस इसका ये इसका है ये इसका है बीच में उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वॉटर इंटरनेशनल एयर उस पर ना श्रीलंका कब्जा है ना इंडिया का किसी देश का कब्जा नहीं होता और ये बड़ा डेंजरस होता है ओके क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी कौन करे सोच के देखो बेटा सही कह रहे मक्षी नैतिक मैं अपने बारह नॉटिकल माइल को सिक्योर करूंगा ये अपने भारत नॉटिकल माइल को करेगा क्यों रॉबिन यह जो इंटरनेशनल वाटर एयर होता है यहां पे बड़ा डेंजर है तभी यहां पे बिल्कुल स्मगलिंग या जो समुद्र के लुटेरे है, होते हैं पायरेट्स होते हैं बेटा किसी एक देश का थोड़ा है तभी रिस्की है ये ओके किसी देश का नहीं होता बेटा इंटरनेशनल वाटर अच्छा हा कुकिंग ट्रांसफर ठीक है ठीक है अच्छा दो देश में डिस्टेंस कम है छह किलोमीटर है तो कैसे करेंगे और तेरी चने एक्सप्रेस निकालता हूं जल्दी भी आशी ये फिर मुझे नाम लेना पड़ रहा है आर्यन भाई वाचप साहब दो देश में छह किलोमीटर है तो तीन तीन एयर वाटर तीन तीन ठीक है बेटा अगर बारह नॉटिका मेल से कम होता है तो ऐसे करते हैं दस है पंद्रह है चौबीस होगा तो बारह तेरह बारह मेरा ओके दिशा चौबीस है बारह तेरह बारह मेरा अगर चौबीस से कम होता है तो हम लोग आधा आधा डिसाइड कर लेते हैं ओके जी पहला हो गया जी पांचवे से बांग्लादेश कम है जी बांग्लादेश कम है जी दक्ष बांग्लादेश कम है ठीक है जी दक्षी तो बांग्लादेश से भी हम आधा आधा करते हैं चलिए ये पहला हो गया ओके दक्ष बॉर्डर लैंड बॉर्डर एयर वॉटर चार एयर वॉटर हमारा बारह नॉटिकल माइल चल भाई चार और पढ़ा चार और पढ़ा एरोप्लेन शिप बस ट्रेन सुना आराम से विपुल सेकंड पॉइंट एरोप्लेन शिप बस और ट्रेन जो एब्रॉड जाते हैं विजिटिंग एब्रॉड सुन आराम से इन वाटर में कोई रिसोर्सेस हो तो किसका राइट होगा अगर किसी इंटरनेशनल वाटर पे अगर पकड़ा जा कोई रिसोर्स मिलता है तो बेटा वो जाता है यूएनओ में ठीक है जी किसी एक देश का नहीं होता ना ना जिसको मिले ऐसे तो हर कोई छोड़ो फिर वही चलते हैं गगन, जिसको मिले। गगन भाई कह रहे जिसको मिले उसी का होगा बेटा वो नहीं है बेटा छोड़ो यार तुम अपने अपनी थ्योरी अपने पास रखो चलो अच्छा इधर देखो यार गगन आ यार आ देख भाई एरोप्लेन शिप बस ट्रेन हमारा एरोप्लेन हमारा शिप बस ट्रेन अब्रॉड जाता है सुनना आराम से आराम से खतरनाक पॉइंट बेटा हमारा शिप गया अमेरिका में जमीन एयरपोर्ट अमेरिका की है लेकिन उस शिप के अंदर एरोप्लेन के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है ओके बेटा एरोप्लेन शिप बस ट्रेन बाहर जाती है जमीन पाकिस्तान की है जमीन अफगानिस्तान की है एयरपोर्ट अमेरिका का है लेकिन वो एरोप्लेन के अंदर शिप के अंदर बस के अंदर ट्रेन के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरी टेरिटरी होती है ओके इन द सेम वे उनके एरोप्लेन यहां पे आते हैं एक बार प्लीज यस सर नो सर जसविंदर जी बोल देंगे ठीक है ऐसे रुद्राक्ष उनका प्लेन आया उनका शिप आया जमीन मेरा पानी मेरा लेकिन उस एरोप्लेन के अंदर नहीं सकता वो उनकी टेरिटरी होता है राइट right? यस yes. एरोप्लेन शिप बस ट्रेन कहीं भी जाए चांद में जाए पाकिस्तान में जाए इंग्लैंड में जाए जमीन तेरी पानी तेरा लेकिन एरोप्लेन के अंदर आने से पहले वो पूछेंगे क्योंकि माक्षी बेटा वो मेरी टेरिटरी है सेम वे उनके एरोप्लेन आते हैं उनकी शिप आते हैं जमीन मेरा पानी मेरा लेकिन मैं एरोप्लेन के अंदर निकल सकता रॉबिन क्योंकि उनकी टेरिटरी होती है ओके ठीक पांच में से दो याद करा दी गुलाटी ने हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक टेरिटरी जी बेटा परमिशन परमिशन लेनी लेनी पड़ती है पड़ती है चलो मैं मैं एक मिनट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं साक्ष्य उत्तर रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बोल देना मनप्रीत सुन मनप्रीत रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं बेटा अंदर कौन आएगा पुलिस वाले आएंगे पैसेंजर आएंगे अंदर और कौन आएगा ठीक है हर्षिता पैसेंजर अंदर आना चाहते हैं पुलिस वाले अंदर आना चाहते हैं ठीक है ना अच्छा सुनिए हाँ हाई जाकर पूछ के आएंगे दीपांशु क्या करता है यार दीपांशु तू तो यार सीधा ही छोड़ यार दीपांशु तू तो अच्छा सुनो मैं आपसे जवाब मांग रहा था दीपांशु हम लोग प्लेन से बाहर गए हैं सुनिए हम लोग प्लेन से बाहर गए हैं आप लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं कॉरिडोर में जा रहे हैं वहां लेकर फिफ्टीन फिफ्टीन से आप पोस्ट आपके टिकट में लिखा हुआ है पहले मेरी बात सुनना फिर अग्री डिसअग्री करना साक्षी आप आईजीआई एयरपोर्ट पे हैं जा रहे साक्षी की टिकट पे लिखा हुआ है 15 चैम्बर में जाना है साक्षी गई साक्षी गई 15 में टर्न हुई जैसे टर्न हुई वो तो एरोप्लेन आ गया क्यों होता नहीं होता वो कभी ना कभी हुआ होगा लतिका ऋषिका और जल्दी हाना का जवाब दो है ना बेटा ऐसे होता है आपके टिकट पे लिखा हुआ एट आप चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे हो एट में जैसे घुसे या हम तो एरोप्लेन के अंदर आ गए वाले हम हुए एरोप्लेन के ऐसा सिर्फ होता है ऐसा सिर्फ होता है बेटा। किस में? तो या हमारे प्लेन में अगर आपको फॉरेन प्लेन में बैठना है आपको बस लेके जाती है यस सर नो सर बोल दो बेटा अब बोलो सचिन सर से अग्री डिस हो है ना ऐसा किस में होता है तनु आप डोमेस्टिकली जा रहे हैं या आप जा रहे हैं हमारे प्लेन में अगर आप ब्रिटिश एयरवेज में जा रहे हैं सचिन सर क्या बात आपने बिल्कुल क्रॉशक करवा दी यस यस अगर आप लोग किसी फॉरेन प्लेन में बैठते हैं तो आप डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते राइट लिशिका सृष्टि कृष यस अगर

आशी एक मिनट एक मिनट आशी अनम्यूट कर ले आशी उत्तर अनम्यूट कर ले आशी अनम्यूट कर ले बेटा आशी बेटे का डाउट है अनम्यूट कर पूछ ले बेटा हाँ सी आपको डाउट है अनम्यूट कर लोगे दैट वुड बी बेटर ओके बेटा मुझे पीछे सर तो देख रहा। बेटा बता रहा हूँ वही ठीक है चलिए बता रहा हूँ वो पॉइंट अगला पॉइंट है वो चलो पहला याद हो गया लैंड बाउंड्री एयर वाटर दूसरा एरोप्लेन शिप बस ट्रेन जिस भी कंट्री के होते हैं कहीं भी जाएं, उस प्लेन के अंदर उस प्लेन के अंदर शिप के अंदर बस के अंदर ट्रेन के अंदर पूछने एंटर कर सकते हैं मिलिट्री वाले पुलिस वाले पैसेंजर उस पायलट ड्राइवर से पूछ के चलिए जी तीसरा एम्बेसी कॉन्सुलेट्स इन एब्रॉड एम्बेसी कॉन्सुलेट अब्रॉड सुनिए जी क्या डिफरेंस होता है बेटा सुनिए 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 हां उमेश जी हाई कमीशन उमेश जी बता रहा हूं एम्बेसी काट में क्या फर्क होता है अगर आप पैसेंजर का परमिशन लेना है आप एम्बेसी चैम्बर में जाएंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का चाहिए होता हाई कमीशन है ओके चार भी उस बिल्डिंग को बोलते हाई कमीशन अगर आपको पैसेंजर का परमिशन चाहिए बाहर जाने के लिए तो मोहित कहां जाएगा एम्बेसी में अगर तेरे पापा ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है तो तेरे पापा कहां जाएगा कॉन्सुलेट में ओके जी यस सर एम्बेसी बंदे के लिए होती है कॉन्सुलेट सामान सर्विसेज के लिए गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होती है तो बेटा हिमाक्षी नीतीश तनवी फिर वही सुनिए सुनिए वर्ल्ड में हमारी हर देश में एम्बेसी है उनकी यहां पे है आपने देखा होगा चाणक्यपुरी में एम्बेसी एरिया सारा क्यों कभी तो देखा होगा लोधी रोड पे चाणक्यपुरी में एम्बस्य, 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 एम्बस्य। तो फिर वही है जमीन मेरी हम लोग उस एम्बेसी अंदर नहीं घुस सकते हम उसकी कार को नहीं रोक सकते देखा होगा उनकी जो देखा होगा बेटा देखा होगा वो यार रिप्लाई तो दे दो साक्षी निशी, तो यार माने बेटा क्या करता है उदय भाई ठीक है जतिन फिर वही एम्बेसी में हम लोग नहीं घुस सकते हम उनकी चलान नहीं कर सकते उनकी कार का उनकी कार देखा होगा ब्लू कलर की होती है नहीं बेटा पुलिस वाला चलान नहीं कर सकता टो तो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी टेरिटरी नहीं है ओके okay, तनु उनकी एम्बेसी में नहीं माना दिल्ली में है माना लोधी रोड पे है माना चाणक्यपुरी में है लेकिन हम लोग नहीं अंदर घुस सकते क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है उनकी कार को नहीं रोक सकते यस ऐसी तनु बेटा मेरी एम्बेसी बाहर होती है तो वो मेरी एम्बेसी में नहीं घुस सकते मेरी कार को नहीं रुकवा सकते ओके okay, क्योंकि वो मेरी टेरिटरी है ठीक है जी, तीन फोर्थ मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप इन एब्रॉड मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप इन एब्रॉड महक बेटा किसी देश में वॉर चल रही है पाकिस्तान सीरिया ईरान हमने यूएनओ के अपनी मिलिट्री भेजी भेजी ये रिलीफ आराम आराम से आराम से ओके जतिन दिशा बेटा कहीं पे वॉर चल रही है तो हमने यूएनओ के कहने पे किसके कहने पे आ, क्रिश बेटा यूएनओ के कहने अपने मिलिट्री भेजी हमने रिलीफ कैंप लगाए तो बेटा फिर वही है वो उस कैंप के अंदर नहीं घुस सकते वो मेरी टेरिटरी है ओके पाकिस्तान में लगाया अफगानिस्तान में लगाया सीरिया में लगाया जमीन तेरी है लेकिन तू अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि वो मेरी टेरिटरी होती है ओके जी सेम अगर भगवान ना करे कोविड की सिचुएशन बिगड़ती है भगवान ना करे कोविड की सिचुएशन बिगड़ती है तो यूएनओ यहाँ पे कैंप लगाएगा हम लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे क्योंकि वो उसकी टेरिटरी हुई अमेरिका ने कैंप लगाया हमारे यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया रशिया ने के रिलीफ कैंप लगाया इन केस हम लोग नहीं घुस सकते नैतिक जमीन मेरी है पानी मेरा है लेकिन रिलीफ कैंप उस देश का होता है चल चार याद कर टोटल कितने होते हैं काव्य पुत्र दिशा बेटा पांच याद करो जी पहला मैं एरेज करके सुनने वाला हूं पहला लैंड बाउंड्री एयर वाटर कितनी बारह नॉटिकल माइल एरोप्लेन मेरा बाहर गया शिप मेरा बाहर गया बस ट्रेन मेरी बाहर गई जमीन तेरे पानी तेरा लेकिन उसके अंदर तुम नहीं घुस सकते ओके, okay. एम्बेसी मेरी बाहर है कॉन्सुलेट मेरा बाहर है सेम उन देश की एम्बेसी यहां पे, कॉन्सुलेट यहाँ पे है हम लोग अंदर नहीं घुस सकते मनप्रीत मिलिट्री कैंप बाहर लगाते हैं रिलीफ कैंप बाहर लगाते हैं लेकिन वो उस कैंप के अंदर नहीं आ सकते क्रिश मैंने बताया क्रिस्ट मैंने बताया अगर आपको पैसेंजर का परमिशन चाहिए एम्बेसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट ओके क्रिश भाई पैसेंजर बन के बाहर जाना चाहते हो एम्बेसी सामान के लिए कॉन्सुलट ओके चलिए जी फिफ्थ फिफ्थ हर देख बेटा फिशिंग एरिया ऑयल Platform purchased in abroad. <laughs> सेवा मा कर लो बेटा देखिए जी फिशिंग ऑयल प्लेटफॉर्म हम लोग खरीद लेते हैं बेटा जी सुनिए हम लोग बाहर देश में अमेरिका में फ्रांस में फिश की एरिया लीज पे ले लेते हैं ऑयल एक्सप्लोर करने की जगह लीज पे ले लेते हैं तो उस पीरियड के लिए भी वो वो मेरी टेरिटरी हो गई ओके जी यस सर नो सर बोलो बेटा अमेरिका में फ्रांस में हम लोग ऑयल निकालने के लिए फिश पकड़ने के लिए वो एरिया लीज पे ले लेते हैं बेटा लीज कम से कम तीन साल की होती है मैक्सिमम नाइनटी नाइन ईयर्स की होती है ओके अभिजीत लीज रेंट एग्रीमेंट कम से कम तीन साल का होता है मैक्सिमम नाइनटी नाइन ईयर्स का होता है तो फिर वो जो एरिया है वो इंडिया का बन गया इन द सेम वे जतन वो लोग यहां पर खरीद यहां पर लीज पे लेते हैं फिश पकड़ने के लिए ऑयल निकालने के लिए तो फिर वो एरिया हो गया रशिया का वो एरिया हो गया फ्रांस का हम लोग नहीं घुस सकते ओके, okay? साल की कम से कम मैक्सिमम नाइनटी नाइन की, के जी एफ जी. निकालता हूं याद कर जल्दी कर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इरे, फिर नैतिक लगानी है रॉबिन की बारे लगानी है, लगा है पहला लैंड बॉर्डर एयर वॉटर बारह ऑडिकल माइल ओके okay. एरोप्लेन बाहर गया शिप बस ट्रेन मेरी जहां मर्जी जाए उसके अंदर मेरी टेरिटरी मेरी टेरिटरी होती है एम्बेसी मेरी बाहर है कॉन्सुलेट मेरा बाहर है तो वो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो लेकिन वो टेरिटरी मेरी होती है सेम उनकी टेरिटरी उनकी एम्बेसी यहाँ पे उनकी कॉन्सुलेट यहाँ पे हम लोग नहीं घुस सकते मिलिट्री कैंप बाहर लगाया रिलीफ कैंप बाहर लगाया वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते फिशिंग एरिया ऑयल प्लेटफॉर्म हम लोग लीज पे लेते हैं या खरीद लेते हैं ओके अच्छा कई देश ना बेच भी देते हैं ठीक है जी थी? तनु बेटा हर्षिता बेटा चारवी गगन हम लोग लीज पे तीन साल पांच साल बीस साल लेकिन कई लोग बड़े गरीब है वो बेच ही देते हैं तो वो जिंदगी भर की प्रॉपर्टी उस देश की हो जाएगी जिसने खरीदा बेटा फिफ्थ बता तो रहा हूं फिश पकड़ने की जगह उदय भाई फिश और ऑयल निकालने की जगह हम लोग किराए पे लेते हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान में रशिया में तो फिर वो मेरा हो गया ऑयल ऑयल भी मेरा हाँ, मेरा होगा बेटा नहीं नहीं बेटा मेरा होगा बेटा मेरा होगा क्योंकि मैंने किराए पे ली जगह ठीक है जी मैंने किराए पे ली ओके हर्षिदा हर्षिदा वो, हाँ वो मेरा बिजनेस है बेटा वो मेरा बिजनेस है मैं अपने साइंटिस्ट लेके जाऊंगा ठीक है जी मैंने बोला बेटा उसमें चाहे कोहिनूर मिले उस पीरियड में कोहिन मिले वो उस देश का होगा जिसने जमीन खरीदी है या लीज़ पे ठीक है भाई हां बेटा वो लोग यहां पे लीज पे लेते हैं हम लोग वहां पे लीज पे लेते हैं चलिए जी बताइए पहला जल्दी पहला आपके आपका भी और बैच है मेरा भी और बैच है जल्दी बेटा पहला जोग्राफिकल बाउंड्री एयर वाटर, बाउंड्री सबका रिप्लाई आ रहा है एयर वाटर कितना बेटा बारह नॉटिकल माइल शाबाश दूसरा क्या है केतन फास्ट जतन दिशा जसविंदर इंदर दूसरा एरोप्लेन हमारे बाहर गए शिप हमारे बाहर गए बस जाता है ट्रेन जाता है उसके अंदर वो नहीं घुस सकते वो हमारी टेरिटरी होती है तीसरा एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हो इंडिया में इंग्लैंड में पाकिस्तान में हो जिस देश की होती है उसकी एम्बेस उसकी टेरिटरी होती है ओके वोइ फोर्थ वो कौन सा कैंप लगाते हैं हम रूटी बांटने के लिए जल्दी तनु साक्षी सिक्सटी भाई, रुद्राक्ष मंतेज कौन सा कैंप लगाते हैं हम मिलिट्री कैंप लगाते हैं रिलीफ कैंप लगाते हैं पहला लैंड एयर वाटर एरोप्लेन एम्बेसी मिलिट्री रिलीफ कैंप पांचवा आखिरी हम लोग बाहर जगह किराए पे लेते खरीदते हैं क्या पकड़ने के लिए जल्दी रीति अंशुल अच्छा अच्छा अंशुल तो इस बैच का अच्छा अंशुल अंशुल तो इस बैच का हम लोग बाहर जमीन खरीदते हैं किराए पे लेते हैं फिश फिशिंग एरिया ऑयल डिपॉजिट्स

डन 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 ठीक है बच्चों आज की क्लास वाइंड अप करते हैं और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो हमने तीन क्लास में थियोरी करी है टिप्स पे कर लेना ओके बैकअप मिल जाएगा आपको ओके रोशन लतिका बेटा दक्ष भाई अनन्या बेटा दिशा ओके जो हमने तीन क्लासेस में एक नौ, तीन क्लासेस में नेशनल इनकम में थ्योरी करी है टिप्स पे कर रहे ना जिसकी एक दो तीन जो भी क्लास मिस हो गया है आपको बैकअप मिल जाएगा टेंशन की नीड नहीं है बाय बाय क्लास लीव कर सकते हैं आपकी भी और क्लास you. मेरी भी ओके okay, बेटा बाय बाय टेक केयर बाय बेटा बाय बेटा डीप कर सकते क्लास आपका भी और बैच है मेरा भी और बैच है बाय 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 टेक केयर Views. Good evening. Good evening, sir. Good evening, brother. हर्षिता जी आपका बैच कंप्लीट हो चुका है ठीक है जी ओके हर्षिता बेटा बैच कंप्लीट हो गया आपका आप क्लास लीव कर सकते हैं अच्छा ओके ओके बेटा ठीक है अर्चिता ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं समझ बेटा समझ गया एक मिनट स्टार्ट कर रहे हैं अंशुल पीयूष हर्षिता बेटा विदिन मिनट we are going to start a class In. कि 70 से 12 के बराबर आए

टूडे स्टार्थ अंशुल हर्षिता पीयूष बच्चे वीडियो ऑन कर सकते हैं डैटविड बेटर ओके यथार्थ यथार्थ गुड इवनिंग आज आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा गुड इवनिंग सर यथार्थ आज आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा मेरे से नो no, सर अच्छा आपने ये वाला बैच लिया एक्चुअली थोड़ा सा था कोई कुछ ओके 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 ठीक है यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष वीडियो ऑन कर लो बेटा फिर आज की क्लास स्टार्ट करें इफ यू कैन इट बी बेटर इफ यू इफ यू ऑन योर वीडियो ओके okay, अंशुल ठीक है जी आइए जी क्लास काट ना जी यथार्थ भाई अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष अगर आप कोशिश तो कर रहे हैं कि क्लास मिस ना हो रिप्लाई पे रिप्लाई पे ध्यान देना बेटा यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष क्लास में ध्यान रखना है रेगुलरिटी का इनकेस कोई क्लास मिस हो जाती है लेट मी नो आपको बैकअप मिल जाएगा ठीक है यथार्थ प्लीज आज की क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है रिप्लाई पे कंजूसी नहीं करनी है ओके okay, यथार्थ भाई अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष क्लास की रेगुलरिटी का ध्यान रखना है इन केस कोई क्लास मिस हो जाते मजबूरी है लेट मी नो बैकअप मिल जाएगा ठीक है जी थी? कोई बात कोई बात नहीं हर्षिता कोई बात नहीं <laughs> आगे जी नेशनल इनकम की थियरी को आगे बढ़ाते हैं आपने भी रिप्लाई देना इन चैट बॉक्स यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष रिप्लाई दे रहे हैं यथार्थ भाई आपने भी रिप्लाई देना इन चैट बॉक्स ठीक है जी चलिए क्लास स्टार्ट नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरी का नेशनल इनकम का है नेशनल इनकम में बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट प्यूज अंशुल पैसा रोटेट करता है आराम से समझना क्लास कट नाउ अंशुल भाई पैसा रोटेट करता है वो रोटेट को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट सर्कुलर एग्जाम्पल देता हूं बेटा रख फ्लो एग्जाम्पल यथार्थ रिक्वेस्ट कर रहा हूं रिप्लाई नहीं दे रहा ठीक है यथार्थ आपके डैड को सैलरी मिली।, मिली आपके डैड के सैलरी मिली आपके डैड ने सैलरी दी आपकी मम्मी को मम्मी ने आपको दी पैसे आपने हमारे ऑफिस में सबमिट करवाए मुझे चेक मिला मैंने बैंक में डिपॉजिट करा विड्रॉ करा एटीएम से अपनी मम्मी को पैसे दिए आगे राशन वाले की पेमेंट हुई तो पैसा जो घूम रहा है आपके पापा की सैलरी कहां से कहां पहुंच गई दिस इज कॉल्ड फ्लो राइट हर्षिता एक ये एग्जाम्पल दिया हमारा बुकिश वे में कैसे समझाता हूं ओके okay, पीयूष पीयूष रिपीट पापा की सैलरी विद्रॉ करके मम्मी को दी मम्मी ने पीयूष को दी पीयूष ने ऑफिस में दी ऑफिस वाले ने मुझे चेक दिया मैंने बैंक में डिपॉजिट करा बैंक से मैंने विड्रॉ करा एटीएम से मैंने अपने मोहम को दिया आगे पैसे दिए राशन वाले को राशन वाले आगे दिए ये जो पैसा घूम है हर्षिता जरूरी नहीं मैं जिसका नाम सबने जवाब देना है ये जो पैसा आगे 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 जा रहा है इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो सर्कुलर फ्लो ओके पीयूष कोमल हर्षिता अंशुल यथार्थ इसको बोलते बेटा सर्कुलर फ्लो पहला सेक्टर होता है अंशुल मैं फर्म जो सामान बनाता है ओके okay, अंशुल मैं कौन हूं यथार्थ मैं जो सामान बनाता हूं वो फर्म आप हाउस होल्ड जो सामान खरीदते हो कंज्यूमर रिप्लाई आज आपका वी क्या पता नहीं क्यों सेक्टर वन फर्म मैं जो सामान बनाता है टू आप हर्षिता जो सामान खरीदते हो हाउस होल्ड फ्री गवर्नमेंट फोर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एब्रॉड नाम याद करेंगे यथार्थ सेक्टर वन फॉर्म मैं सामान बनाने वाला आप हाउस होल्ड कंज्यूमर खरीदने वाले फ्री गवर्नमेंट फोर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एब्रॉड नाम याद हो गया पीयूष कोमल हर्षिता अंशुल यथार्थ ओके भाई नाम याद होगा बेटा रिप्लाई भी फास्ट आर्ट परफेक्शन का कुछ और लेवल होना चाहिए ओके भाई अब सुनना अब आराम से सुनना अगर आपके पेपर में आता है टू सेक्टर आराम से हर्षिता अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है टू सेक्टर इकोनॉमी आप ये दोनों समझाओगे ओके okay. थ्री तो ये ये तीनों फोर तो ये चारो ओके okay, पीयूष पेपर में आराम से पढ़ लेना लिखा हुआ है एक्सप्लेन सर्कुल्लो इन टू सेक्टर इकॉनमी तो ये समझाएगा भाई अगर लिखा हुआ यथार्थ एक्सप्लेन सर्कुल्लो इन थ्री सेक्टर इकॉनमी तो एक दो तीन और अगर लिखा हुआ कॉमन फोर सेक्टर इकॉनमी बेटा एक दो तीन चार ओके okay. और अगर मन में आता है यथार्थ के सचिन सर चलो आपने बताया टू फैक्टर ये थ्री ये तीनों फोर ये चारों अगर सचिन सर हमारे पेपर में आए वन सेक्टर कौन भी तो क्या करेंगे क्यों पीयूष कोमल हर्षित अंशुल दिमाग में आता है जैसे यथार्थ क्या आया भाई गुलाटी सर आप कह रहे टू सेक्टर दोनों थ्री तो ये तीनों फोर तो ये चारों। अगर हमारे पेपर में आ जाए वन सेक्टर अंशुल भाई पीयूष भाई वन सेक्टर पॉसिबल ही नहीं है अंशुल भाई सोच पीयूष भाई सोच वन सेक्टर कैसा पॉसिबल है सोच के देखो सिर्फ सचिन सर हो सप्लाई करने वाले डिमांड वाला ना हो डिमांड वाला है सप्लाई वाला नहीं है इक्विलिब्रियम है नहीं तो मार्केट कैसे होगी ठीक कह रहा ना क्यों कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है बेचने वाला तैयार है खरीदने वाला नहीं है खरीदने वाला है बेचने वाला नहीं है तो कम से कम टू सेक्टर का होना जरूरी है ओके रशिता, इससे वन सेक्टर कभी आ ही नहीं सकता ठीक है बेटा ठीक है तो यथार्थ भाई हम क्या पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो पैसे का रोटेट करना सेक्टर के नाम याद हो गए मैं जो सामान बेचता हूं मैं कौन हूं फॉर्म अंशुल जो सामान खरीदता कौन है हाउस होल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है गवर्नमेंट आर ओ फॉर्म क्या अंशुल भाई रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड टू सेक्टर दोनों थ्री तो ये तीनों चार तो ये चारों, ओके अकेला हो ही नहीं सकता मेरा समझा दिया जहां पे डाउट होगा यथार्थ को अंशुल को हर्षिता कोमल पीयूष फटाफट पूछेंगे चार सेक्टर एक हो ही नहीं सकता क्योंकि बायर एंड सेलर दोनों चाहिए कम से कम ओके okay, जी सुनिए बेटा फोर सेक्टर का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं ओके okay? अगर टू सेक्टर आता है तो फर्म और हाउस होल्ड वाला समझाओगे हर्षिता थ्री आता है तो वन टू गवर्नमेंट बी ओके फोर आता है तो वन बी टू बी थ्री बी फोर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एब्रॉड बी ओके अर्षिता बेटा वन सेक्टर हो ही नहीं सकता अकेला ठीक है जी चलिए ओके स्टार्ट करते हैं डिटेल देखिए मैं फॉर्म आप हाउथोल्ड कस्टमर सामान खरीदने वाले यूज करने वाले थोड़ा रिप्लाई में ध्यान देना फटाफट थोड़ लिखना ओके यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष मैं आपको ओवरव्यू दूंगा हिट दूंगा आपने बात को पूरा करना है अच्छा इन दोनों में से फैक्ट्री किसके पास है जल्दी यथार्थ कोमल हर्षिता पीयूष अंशुल जल्दी सचिन सर को समझाओ बेटा इन दोनों में से फैक्ट्री किसके पास है इसके पास तो यथार्थ आपने मुझे दिए एफ ओ पी साफ साफ लर्न करा करो बेटा ठीक है यथार्थ आपने मुझे क्या दी एफओपी फुल फॉर्म पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सचिन सर आप फैक्ट्री के मालिक हो ना आप फॉर्म हो सचिन सर आप हमसे एफओपी ले लो एफओपी की फुल फॉर्म होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं सचिन सर लैंड ले लो लेबर कैपिटल और ओनर ओके यार लैंड ले ले भाई फैक्ट्री लगा ले, लेबर काम करवा ले पैसा ले ले ओनर ले ले आपने मुझे दिया कोमल मैं इसकी पेमेंट दूंगा कोमल आपने मुझे एफओपी दिए एफओपी फुल फॉर्म मैंने याद करवा दिया पीयूष को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑंटरप्रेन्योर सचिन सर जब एफओपी लेंगे तो उसकी पेमेंट भी तो करेंगे पेमेंट अंशुल ने मुझे क्या दिया एफओपी सचिन सर ने क्या दिया पेमेंट सुनो इसे दूंगा रेंट ये देख इसे दूंगा रेंट सैलरी वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ओके इससे क्या दूंगा किराया सैलरी ब्याज प्रॉफिट रेंट दिया लैंड को सैलरी दी, लेबर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे प्रॉफिट दिया मालिक को ओके okay जी, अच्छा एक बात तो सुनना अंशुल पीयूष जो बंदा फिजिकल वर्क करता है

चलो आपने मुझे क्या दिया यथार्थ एफओपी एफओपी की पेमेंट सामान मिला पेमेंट करा रेंट लैंड को सैलरी बिजनेस लेबर को इंटरेस्ट कैपिटल में प्रॉफिट ओनर को ठीक है एक साइकिल पूरा हो गया नेक्स्ट यथार्थ थोड़ा रिप्लाई कम है आपका ओके भाई यथार्थ थोड़ा रिप्लाई कम है अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष रिप्लाई ठीक दे रहे आपका रिप्लाई कम है आप भी ट्रैक पे आ जाओ चलो दूसरी बात बताओ इन दोनों में से समान कौन बनाता है जल्दी कुछ पूछा मैंने अंशुल से हर्षिता जल्दी इन दोनों में से समान कौन बनाता है फॉर्म या हाउस होल्ड जल्दी समान कौन बनाता है मैं तो मैंने अंशुल को समान बना के दिया मैंने अंशुल को पीयूष को सामान बना के दिया और आप उसकी पेमेंट करोगे अंशुल के पास सामान पेमेंट मेरे को पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेस सिंपल प्यूश देख आपने मुझे एफओपी ओ दी है मैंने उसकी पेमेंट करी सिंपल प्यूश क्या कहा मुश्किल है यार कहा तुम रट्टा लगाते हो पहले मेरी बात सुन पीयूष तू मुझे क्या देगा एफओपी सचिन सर एफओपी रख लो फैक्ट्री लगाओ सचिन सर एफओपी की पेमेंट करेंगे ओके दूसरा सचिन सर सामान बना के देंगे हर्षिता को हर्षिता मुझे पेमेंट करेगी या सर नोसर बोल दो यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष या सर नोसर बोल दो मैं आगे चलू आपने मुझे एफओपी दिए मैंने एफओपी की पेमेंट दी सामान बना के दिया यथार्थ को हर्षिता को आप मुझे उसकी पेमेंट दोगे खत्म ये टू फैक्टर हो गया बस कुछ सेक्टर में यही है ठीक है यथार्थ जी अब सुनना बेटा आराम से समझना कोमल बेटा हमारे कोर्स में नाम चार फैक्टर के हैं मैं फॉर्म आप, हाउस होल्ड गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम चार सेक्टर के हैं लेकिन डिटेल टू सेक्टर की है थ्री सेक्टर फोर सेक्टर डिटेल कट चुका है पांच साल हो चुके हैं ओके okay, अंशुल, कोमल पीयूष, ओके okay, नाम चारों के नाम बताओ तो तू लिख के आएगा फॉर्म हाउस होल्ड गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके पीयूष लेकिन एक्सप्लेनेशन बेटा टू सेक्टर की है फॉर्म और हाउस होल्ड गवर्नमेंट डिटेल कट चुकी है पांच साल हो गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कट चुका है पांच साल हो चुके हैं आपकी मैडम करवाना दे बुक में तो है नाम ले नहीं सकता बड़े बड़े ऑथर मोटी मोटी बुक छाप दी अपडेट अपडेट करते नहीं है मेरे पे विश्वास करो मैं सीबीएसई की कंटेंट दिखा देता हूं आपको डिलीट हुए पांच साल हो चुके हैं ठीक है रशिता बेटा टू सेक्टर थ्री फोर नहीं सर्कुलर फ्लो इसका घूमना इनकम का प्रोडक्ट का मैं फॉर्म यथार्थ या हाउस होल्ड चलो जी जल्दी बताना इसको फिर पूरा करूंगा एक बात लिख के पूरा करूंगा फिर आप स्क्रीनशॉट लेना जल्दी आप मुझे क्या दोगे सबसे पहले फैक्ट्री लगाने के लिए जल्दी अंशुल फास्ट, पीयूष फास्ट कोमल हर्षिता जतार तो अपने आप ही फास्ट हो जाएंगे आप मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए क्या दोगे एप्पल मार्कर कैमरा फैन लैपटॉप क्या दोगे क्या दोगे एफओपी सचिन सर एफओपी ले लो

कोमल तो मैं उसकी पेमेंट दूंगा एरो देख एफओपी आने का एरो पेमेंट जाने का एरो फैक्टर पेमेंट तुम ले लो लैंड को किराया लेबर को सैलरी वेजेस कैपिटल पे ब्याज ते ओनर को प्रॉफिट एक साइकिल हो गया ओके अंशुल समान कौन बनाता है जल्दी अंशुल पियु समान कौन बनाता है जल्दी मैं ओके okay. मैंने कोमल को समान बना के दिया कोमल बेटा समान ले ले कोमल बोलेगी भाई तू पैसा ले ले पेमेंट और सामान ओके okay, जी ये हमारा टू सेक्टर पूरा हो गया थ्री फोर की डिटेल कट चुकी है बिलीव मी मैडम करवाना दे करवाती है तो करवाती रहे पेपर में आएगा नहीं बिलीव मी आपको सीबीएसई का भी दूंगा अब अब मेरी बात सुनना असली बात यथार्थ भाई अंशुल भाई हर्षिता पुत्र कोमल पुत्र पीयूष भाई हर बुक में ये लिखा हुआ है एफओपी मिले पेमेंट करी सामान बना के दिया पेमेंट आई सुनना समान के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो आराम से सुन ले जाता समान के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो प्रोडक्ट फ्लो प्रोडक्ट रियल फिजिकल ओके तीन नाम याद हो गए कोमल ठीक है समान के फ्लो को बोलते हैं रियल प्रोडक्ट तो, फिजिकल इनकम एक्सपेंडिचर के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो मनी मॉनिटरी नॉमिनल यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष याद कर समान के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो प्रोडक्ट फ्लो फिजिकल फ्लो पैसे के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो मॉनिटरी नॉमिनल ओके जी जी पीयूज भाई अंशुल भाई चित्र बना रखा है रियल फ्लो मनी फ्लो नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है बड़े बड़े ऑथर ने हम इसके अंदर लिख के आएंगे भीड़ से अलग हमको मार्क्स मिलेंगे समझ आ गई बात पीयूज भाई अंशुल अंशुल भाई फिजिकल फ्लो मनी फ्लो थ्योरी में लिखा है अरे भाई इसके अंदर लिख दे थोड़ा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा भीड़ से इसी ने लिखा बेटा नाम ले मैं ले नहीं सकता ठीक है जी थी? अब ये देख ये देख कोमल हर्षिता ये समान है रियल फ्लो ठीक है जी थी? ये भी समान है रियल फ्लो नीचे थ्योरी में लिखा है चित्र में लिखो हर्षिता देख समान रियल फ्लो समान रियल फ्लो ये पैसा मनी फ्लो ये भी पैसा मनी फ्लो ओके यथार्थ हर्षिता कोमल पीयूष प्लीज रिप्लाई मी ये क्लियर हो गया डाउट है समझ नहीं आया है जल्दी बता दो टू सेक्टर बारह पूरा हो गया रिप्लाई मी फास्ट यथार्थ भाई अंशुल भाई हर्षिता पुत्र कोमल पुत्र पीयूष भाई डन डन समान रियल समान रियल पैसा मनी पैसा मनी ठीक है जी स्क्रीनशॉट यथार्थ जल्दी स्क्रीनशॉट जल्दी रिप्लाई में डन जल्दी यथार्थ कोमल अर्चिता पीयूष अंशुल स्क्रीनशॉट डन 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 का रिप्लाई देना ठीक है भाई कोमल जी आप चुप रहना अगर आपने प्रीवियस क्लास में सुना था ये ठीक है जी थी? कोमल जी आप चुप रहना अगर आपने ये सुना था प्रीवियस क्लास में चुप रहना ठीक है जी थी? सुनिए जी यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष नॉर्मली क्या होता है रियल फ्लो जाता है मनी फ्लो आता है ओके okay? नॉर्मली होता है सामान जाना पैसे का आना सामान गया रियल पैसा आया मनी वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट यथार्थ अंशुल हर्जिता कोमल पीयूष मैं भूल गया वो एक बात बताना ओ, एक दो क्लास पुरानी वाली बात जो टू साइड वाली होती है उसे क्या बोलते हैं फैक्ट्री इनकम ट्रांसफर इनकम जल्दी बताना हो मैं भूल गया यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पियू जल्दी जल्दी टू साइड वाली को क्या बोलते हैं कल तो पढ़ा था हमने सामान का जाना पैसे का आना वो जो टू साइड वाली होती है बायोलेटरल वाली होती है उससे हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर इनकम बोलते हैं ये फैक्ट्री इनकम बोलते हैं फैक्ट्री इनकम बोलते हैं वेरी गुड याद आ गया यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पियू याद आ गया यस सर सचिन से जो टू साइड वाले होते हैं बायोलेटरल वाले होते हैं उसको बोलते हैं सेक्टर इनकम और वन साइड वाले ट्रांसफर इनकम स्कॉलरशिप पॉकेट मनी यस सर अच्छा बात ये चल रही थी हर्षिता सुन सुनो हम सब समझिए आपका मैं दिमाग चेक कर अटेंटिव हो जाना ओके अंशुल पीयूष अटेंटिव नॉर्मली क्या होता है रियल फ्लो जाता है मनी फ्लो आता है ओके भाई नॉर्मली इन नॉर्मल ट्रांजेक्शन रियल फ्लो गया समान लेके गया पैसा लेके आया ठीक है अब मुझे ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे मनी जाता मनी आता है यथार्थ अंशुल हर्षिता, पीयूष, कोमल ही बोलेगी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं रियल पैसा आ रहा है मनी क्यों पीयूष आपको पढ़ा रहा हूं रियल पैसे दे रहे हो मनी अब मुझे ऐसा एग्जाम्पल दो यथार्थ दिमाग लगा अंशुल पीछे वाले बैच में फ्लड आ गई थी एग्जाम्पल की तुम पता नहीं क्यों चुप हो कोशिश तो करो मैं कौन सा पुलिस को बुलाऊंगा और गलत बोलोगे तो यथार्थ भाई अंशुल हर्षिता पुत्र पीयूष सोच के बताओ जहाँ जाता है मनी आता है हिंड दे दिया मनी जाता है मनी आता है हिंड दे दिया भाई जल्दी बताओ मनी आता है, मनी आता है मनी जाता है मनी आता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पहला एग्जांपल है बैंक है ना अच्छा यस सर तो बोल दो कैश जमा करा तो कैश मिलता है और यस सर नो सर तो बोल दो, तो तो बोल दो। क्यों यथार्थ बैंक में कैश आता है कैश आता है लोन कैश मिला कैश वापस करा करंसी एक्सचेंज क्यों जी और अगर नहीं दिमाग में था अब यस तो कैश करवा दे पीयूष भाई जब हमको लोन मिलता है कैश मिला कैश वापस करा हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई एक करेंसी आई दूसरी करंसी गई कैश आया कैश गया बैंक में जमा करवाते इंश्योरेंस शेयर मार्केट क्यों 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 शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कैश गया कैश आया है कोमल ठीक है तो दो बातें क्लियर हो गई यथार्थ को नॉर्मल रियल जाता है मनी आता है और ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे मनी गया मनी आया मनी गया मनी आया तो उसका एग्जाम्पल है करेंसी एक्सचेंज लोन शेयर मार्केट बैंक इंश्योरेंस कैश गया कैश आया कोमल चुप ये ट्राई करेंगे यथार्थ जहां पे रियल गया रियल आया एग्जाम्पल हर्षिता पीयूष अंशुल ट्राई ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पे रियल जाता है रियल आता है कोमल दीदी चुप है ट्राई करो फिर वो एक गलत बोलोगे पुलिस को नहीं बुलाता रियल गया रियल आया यथार्थ नहीं पता अंशुल भाई का पुत्र पियूष उसका एग्जाम्पल है बटर नहीं कोमल है ना उसका एग्जाम्पल क्या बेटा बटर गुड्स फॉर गुड्स कोमल बेटा याद रखियो बाटर को सीसी सिस्टम भी बोलते हैं ओके okay? बाटर को क्या बोलते हैं सीसी सिस्टम कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक कार दी दूसरी कार ली गेहूं दिया चावल लिया कपड़ा दिया गेहूं लिया अच्छा अच्छा एक बात सुनना एक एक बात बताना चाहता हूं आपने ओलेक्स पे कार दी दूसरी कार ले ली बाटर है अगर उसमें एक भी इन्वॉल्व है उसको बाटर नहीं बोलेंगे बाटर का मतलब भी होता है जब गुड्स फॉर गुड्स ओके अंशु समझ आ गया बाटर का मतलब होता है गुड्स गई गुड्स आई उसको बाटर बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं कमोडिटी फॉर कमोडिटी अगर उसमें एक रुपया भी इन्वॉल्व हो गया वो बाटर नहीं है और अंशु वो करते तो बिल्डर के साथ क्यों यथार्थ और यथार्थ बिल्डर के साथ नहीं करते तुम अपना वो प्लॉट दे देते हो चार फ्लोर बनाता है तीन तुम्हारी बिल्डर की तो वो बटर नहीं हुआ क्यों कोमल है ना है ना ना कोमल होता ना, ये जो कोलेबोरेशन घर बनाते हैं, को, कोमल ने प्लॉट दे दिया मैं बिल्डर मैं चार फ्लोर बनाऊंगा तीन को दूंगा एक मेरी रियल गया, रियल आया जी नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हर्षिता दीदी क्या होता है समान जाता है ऐसा होता है ओके okay, सर अब ऐसा बताओ जहां पे मनी गया मनी आया मनी गया मनी आया तो उसके एग्जांपल अभी ने याद करें वेरी गुड शुरू हो गए क्या बैंक कैश गया कैश आया लोन कैश गया कैश आया शेयर मार्केट कैश गया कैश आया कैश कैश <laughs> गया cash आया ओके okay, सर अब जहां पे रियल गया रियल आया रियल बोथ क्लोज आर रियल रियल गया रियल आया उसका एक एग्जाम्पल है जी क्या एग्जाम्पल है कोमल बेटा बटर इसका अदर मैंने करवा दिया सी -सी सिस्टम सी -सी सिस्टम कमोडिटी कमोडिटी फॉर ठीक है जी अच्छा मेरी बात सुनना आराम से यथार्थ अर्चिता कोमल प्यूष पेपर में आराम से पढ़ लेना सुनिए क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन बताओ या जहां पे दोनों मनी होती है या दोनों रियल होती है ओके आराम से पढ़ ले अर्षिता अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ नॉर्मल ट्रांजेक्शन में क्या फ्लो होता है तो बताइए भाई रियल जाता है मनी आता है ओके अगर क्वेश्चन पेपर लेकर बताओ जहां जहाँ दोनों मनी होती है मनी क्या मनी आया तो ये रियल गया रियल आया ये तो पेपर में आराम से पड़ेगा यथार्थ कि नॉर्मल पूछ रहा है दोनों मनी पूछ रहा है दोनों रियल पूछ रहा है ओके भाई जी स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लता कोमल हर्षिता अंशुल स्क्रीनशॉट। डन 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 आगे बढ़े बेटा डन बेटा ठीक है जी थी। आप देखना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स में सिर्फ नाम लिख दिए एक्सप्लेन करेगी इनकी मम्मी हमारी मम्मी देखना हम तो छोड़ेंगे नहीं ठीक है कोमल जी पहला हमने कर लिया सर्कल फ्लो उसके बाद हमने करा नॉर्मली रियल जाता मनी आता है या ऐसे बताओ मनी गया मनी आया या ऐसे बताओ जहां रियल गया रियल आया ठीक है दो क्वेश्चन करे हमने अभी हाफ एन आवर पे प्लीज रिप्लाई मी एक मिनट हमने सबसे पहले लर्न करा सर्कल फ्लो टू सेक्टर में फिर हमने पढ़ा रियल जाता मनी आता है या ऐसे एग्जांपल मनी गया मनी आया रियल क्या रियल आया चैट में लिख देंगे क्लियर है डाउट है रिप्लाई दोगे तभी गुलाटी आगे बढ़ेगा यथार जल्दी अंशुल भाई हर्षिता कोमल पीयूष लर्न हो गया क्लियर 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 ना भी ना समझ को नहीं आया जल्दी तो जी गुलाटी भाई को एग्जाम्पल रिप्लाई दे दो तभी गुलाटी भाई आगे चलेगा रिप्लाई आ गया मेरे बच्चों का का रिप्लाई आ गया अंशुल का हर्षिता का कोमल दीदी का और पीयूष भाई का चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टेरिटरी आराम से हमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है अभी आप एक लेमैन से पूछूं लेमैन एक आम आदमी ओके लेमैन होता है सीधा आम आदमी अगर मैं एक लेमैन से पूछूं कि भाई हमारी टेरिटरी क्या है तो तुम बोलोगे सचिन सर जो हमारा बॉर्डर है ना बॉर्डर वो हमारी टेरिटरी है क्यों पीयूष अंशुल अगर मैं एक लेमैन से पूछूं कि बता इंडिया की टेरिटरी क्या है एरिया क्या है प्लीज रिप्लाई पे ध्यान देना है ना यथार्थ बता इंडिया की टेरिटरी क्या एरिया क्या है सचिन सर मैं बताता हूँ सचिन सर जम्मू एंड कश्मीर उसके इधर वाला एरिया क्योंकि उधर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है सचिन सर पंजाब से इधर वाला सचिन सर गुजरात से यहां महाराष्ट्र से यहां है जो बॉर्डर के अंदर अंदर है हमारा उधर है उनके पापा का क्यों नहीं यही हुआ तुम्हारा मतलब बेटा ये एक है टोटल तो पांच टेरिटरीज होती है ओके अर्चिता ये जो तुमने जवाब दिया है गलत नहीं है बिल्कुल सही जवाब है लेकिन ये एक पार्ट है किसी भी देश की टेरिटरी पांच तरह की होती है ठीक है पांच डिजिट दिमाग में बैठ गई यथार्थ के अंशुल के पीछ के पांच टेरिटरी होती है इंडिया के पांच अफगानिस्तान के पांच पाकिस्तान के पांच ये रूल यूएनओ ने बनाया है अमीर देश है गरीब देश है कोई भी देश है भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान है, है फ्रांस है जर्मनी है पांच होती है जी ठीक है भाई चलो जी याद करते एक एक करके यथार्थ पहला जोग्राफिकल बाउंड्री जोग्राफिकल बाउंड्री का मतलब लैंड बॉर्डर, वही जो भी आपने बताया जे के ये ये सारी हमारी बाउंड्री है यहां पे जम्मू कश्मीर हो गया हिमाचल हो गया ये वो ये हमारे हमारी बाउंड्री हो गई ठीक है जी कौ आराम <coughs> <अराम> से बना एयर एंड वाटर बाउंड्री आराम से बेना ट्रिकी पॉइंट है एयर एंड वाटर बाउंड्री आराम से सुन अंशुल पीयूष आराम से बुक में और सचिन थर्म फर्क होना चाहिए उन लिख के छोड़ दिया है। हम समझ रहे हैं समझ पीयूष भाई मैंने बीच पे खड़ा हूं गोवा बीच है मुंबई बीच है आगे पानी पानी है हवा हवा है अब कितना पानी कितना हवा मेरा है सारा थोड़ा इंडिया का होगा मन में आता ना हम कहा खड़े हैं बीच पे खड़े हैं यहां पे लैंड खत्म तो? क्यों सीधा तू कहा खड़ी है बेटा बीच में कोमल बेटा यहां पे जमीन खत्म होती है आगे पानी पानी है हवा हवा है अब यथार्थ भाई हवा इतनी सोरी है पानी इतना सारा है कितना हमारा है बारह नॉटिकल माइल बारह नॉटिकल माइल अभी डाउट नहीं पूछेंगे यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष डाउट नहीं पूछेंगे दो मिनट क्योंकि मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं नॉटिकल नॉटिकल माइल माइल एक में दो किलोमीटर होते हैं ओके? Okay? एक नॉटिकल माइल जमीन को हम किलोमीटर में नापते हैं पानी में और हवा को नॉटिकल माइल में नापते हैं ओके okay, बेटा साइंटिफिक डिजिट है जमीन में तुमने डिस्टेंस को नापना है तो यथार्थ किलोमीटर में नापे किलोमीटर में नापेगा हवा में पानी में नापना है तो यथार्थ नापेगा नॉटिकल माइल में तो एक नॉटिकल माइल में दो किलोमीटर होते हैं तो कहने का यह तात्पर्य है डाउट अभी पूछेंगे नहीं कहने का यह तात्पर्य है अगर हम लोग बीच पे खड़े हैं पानी चौबीस किलोमीटर मेरा हवा चौबीस किलोमीटर मेरा बीच पे खड़े होके किलोमीटर तक पानी चौबीस किलोमीटर एयर इंडिया की होती है बारह नॉर्गल माइल चौबीस तो किलोमीटर सुनना जी डाउट अभी पूछना नहीं है ये देखो ये इंडिया और ये श्रीलंका चलते गए 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 चौबीस किलोमीटर तक मेरा पानी चौबीस उसका ना से 24 मेरा 24 उसका अब बीच में और भी है भाई अंशुल 24 पानी एयर मेरा 24 पानी एयर इसका ये अपने बीच से, से देख रहा मैं अपने बीच से देख रहा हूं अब इसके बीच में और भी है जो चौबीस और चौबीस के अलावा है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर, क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल वाटर, एयर, किसी देश का कब्जा नहीं होता ओके ओके, ठीक है बेटा इंडिया चौबीस अपना मानेगा श्रीलंका चौबीस अपना मानेगा लेकिन उसके अलावा जो बच गया जितना मर्जी बच गया कोमल उस पर किसी एक देश के पापा का हक नहीं होता उसे क्या बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल वॉटर इंटरनेशनल एयर ओके चौबीस इस देश का चौबीस उस देश का जो बच जाता है चौबीस चौबीस के अलावा उस पर किसी एक देश का हक नहीं होता उसे यथार्थ बेटा क्या बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर इंटरनेशनल एयर और ये बड़ा रिस्की होता है सोच के देखो पहले मेरी बात सुना फिर अग्री डिस्कवरी करना हर्षिता ये बड़ा रिस्की है क्योंकि यहां पे कौन किसकी नेवी एयरफोर्स निगरानी रखेगी इंडिया की ठीक है ना कोमल कोमल ये मेरी टेरिटरी है तो मेरी मेरी नेवी मेरी एयरफोर्स निगरानी रखेगी ये श्रीलंका की नेवी श्रीलंका की एयरफोर्स निगरानी रखेगी लेकिन बहन ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पे किसी की नेवी किसी की नेवी एयरफोर्स निगरानी नहीं रखती इसलिए यहाँ पे स्मगलिंग होती है यहाँ पे वो समुद्री लुटेरे हमारे हम बड़े सारे पिक्चर रखी है वो पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे होते हैं बेटा वो यहाँ पे पाए जाते हैं ओके समझ गए अर्षिता पीयूष भाई अंशुल भाई है ना इस टेरिटरी की रक्षा टेरिटर इंडिया नेवी करेगी इस श्रीलंका करेगा भाई और जो इंटरनेशनल वाटर है वो किसी एक देश का होता नहीं है उसे खुला छोड़ देते हैं तो उस पर ट्रेवल करना बहुत रिस्की होता है क्योंकि वहां पे किसी देश की नेवी एयरफोर्स नहीं होती तो जो स्मगलिंग होती है जो पायरेट्स होते हैं समुद्र लुटेरे होते हैं यहाँ पे होते हैं ठीक है जी अभी डाउट अभी डाउट लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ उसके डाउट पूछेंगे शायद का नहीं यथार्थ भाई इंडिया बांग्लादेश चुपके विदेश देश वहां तो 24 चौबीस आई नहीं सोचिए तो देख ठीक कह रहा हूं क्यों भाई पीयूष मैं और नेपाल चुपके वे देश ऐसा तो नौ सौ तो बोल दो और मैं और नेपाल चुपके विदेश मैं और बांग्लादेश चुपके विदेश चौबीस चौबीस किलोमीटर है नहीं भैया तो बेटा सपोज मान लो दोनों देश के बीच में दो किलोमीटर है तो आधा आधा बांट लेंगे एक तेरी एक मेरी टेरिटरी ओके दोनों देश के बीच में सात साढ़े तीन साढ़े तीन दोनों देश के बीच में दस तो पांच पांच समझ आ गई बात एक बात यस सर नो सर बोल देंगे वैसे रूल क्या होता है बारह तेरा बारह मेरा बचावा इंटरनेशनल पीयूष गोवल हर्षिता अंशुल यथार्थ या सर नो सर ओके वैसे रूल क्या होता है बारह नॉटिकल माल तेरा बारह नॉटिकल मेरा बीच का इंटरनेशनल जितना मर्जी होए। अगर कोई दो देश चिपके हुए होते हैं तो जितना भी डिस्टेंस होगा एक किलोमीटर आधा किलोमीटर एक इंच तो उसको आधा तेरा आधा मेरा मान लेते हैं समझ आ गया यथार्थ अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष क्लियर है बेटा बोल दो बेटा मैं तभी आगे चलू ठीक है उत्तर ये पहला हुआ टोटल पांच टेरिटरी होती है कोमल जी ओके <laughs> okay. पहला लैंड बॉर्डर एयर वाटर बारह ऑडिकल माइल अगर दोनों देश चुपके हुए हैं बारह ऑडिकल माइल नहीं है तो आधा-आधा बांट लेंगे चाहे एक किलोमीटर को बांटना है चाहे दो किलोमीटर को बांटना है चाहे एक इंच को बांटना है चलिए जी दूसरा पांच होती है यथार्थ हर्षिता एंबेसी कॉन्सुलेट इन इन दोनों को कंबाइंड में बोलते हैं हाई कमीशन यथार्थ भाई अभी डिफरेंस बताता हूं डिफरेंस एम्बेसी कॉन्सुलेट को कंबाइंड वे में बोलते हैं हाई कमीशन बताता हूं बेटा हर देश में इंडिया के एम्बेसी कॉन्सुलेट है और उनकी यहां पे है क्यों यथार्थ देखा होगा हाँ ना का जवाब दे अंशुल पीयूष हमने देखा यार ये अशोका रोड में लोधी रोड पे चढ़ पुरी में एम्बेसी एरिया सारा देखा होगा यार कभी ना कभी यार तुम आंख में पट्टी बांध के नहीं घूमते क्यों क्यों हचिता दीदी कोमल दीदी ठीक कह रहा हो ना चाणक्यपुरी मोतीबाग लोधी रोड साहबाबाजी का टेम्पल एम्बेसी एरिया है देख होगा कभी ना कभी यथार्थ नहीं एम्बेसी कॉन्सुलेट को बोलते हाई कमीशन अच्छा देख डिफरेंस क्या होता है सुनो पीयूष अंशुल अगर पैसेंजर ने बाहर जाने की परमिशन लेनी है तो एम्बेसी होती ही की है अलग अलग चैंबर होते हैं ओके बिल्डिंग एक ही होती है यथार्थ बिल्डिंग एक ही होती है बस अलग अलग रूम बने होते हैं अगर किसी बंदे ने बाहर जाने की परमिशन लेनी है तो वो जाएगा एम्बेसी में और किसी ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन लेनी है तो कॉन्सुलेट yes, no, में जाएगा या नो सर जिंदगी में नहीं बोलेगा ओके okay, हर्षिता हर्षिता दीदी किसी बंदे ने बाहर जाना है बंदे ने बाहर जाना है तो हर्षिता दीदी वो एम्बेसी वाले चैम्बर में जाता है अगर तेरे पापा ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन लेनी है तो कहां पे जाएंगे कॉन्सुलेट में ठीक है होता एक ही बिल्डिंग में है ये एम्बेसी का चैंबर है ये कॉन्सुलेट का, का चैंबर है ओके अंशुल भाई ठीक है अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं बेटा हमारी एम्बेसी फ्रांस में है जर्मनी में है पाकिस्तान में है जमीन तेरी है लेकिन एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकते वो मेरी टेरिटरी होती है ओके सर, सर, बोलो जल्दी बोलो एम्बेसी कॉन्सुलेट मेरिया पाकिस्तान में अफगानिस्तान अफगानिस्तान में है अमेरिका में फ्रांस में जमीन तेरी है लेकिन एम्बेसी मेरी है उसके अंदर नहीं घुस सकते वो मेरी टेरिटरी है यथात अंशुलर्शिता कोमल पीयूष ओके इनकी गाड़ी तक तो नहीं रोक सकते देखा होगा इनकी गाड़ी ब्लू कलर की होती है क्यों कोमल देखा होगा है ना बेटा हमारा पुलिस वाला हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला चलान भी नहीं काट सकता हाथ नहीं दे सकता वो जो ब्लू कलर की नंबर प्लेट की गाड़ी होती है ठीक है बेटा नहीं नहीं ग्रीन नहीं 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 ग्रीन नहीं भाई ब्लू कलर की होती है ग्रीन वाली तो इलेक्ट्रिक होती है ओके अंशुल भाई ग्रीन वाली नहीं भाई ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक होती है भाई ब्लू कलर की देखी होगी यथार्थ ने, ठीक है ना भाई क्यों यथार्थ अंशु अच्छी कोमल पीयूष देखे ना ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है वो भाई एम्बेसी गाड़ी है हम नहीं हाथ दे सकते उनको इन द सेम वे हमारी गाड़ी ब्लू कलर की बाहर चलती है हमारी एम्बेसी बाहर है हमारा कॉन्सुलेट है पाकिस्तान अफगानिस्तान में जमीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के लेकिन अंदर नहीं आ सकते हमारी टेरिटरी ओके जी दो याद हो गए पांच में से ठीक है जी पहला याद हो गया लैंड बॉर्डर एयर बॉर्डर बारिकल वाइज पीयूष एम्बेसी कॉन्सुलेट जिस मर्जी देश में हो लेकिन उसके अंदर इंडिया का रूल चलेगा ऐसे ही यहां पे एम्बेसी पाकिस्तान की अफगानिस्तान की फ्रांस की है हम लोग नहीं घुस सकते जमीन इंडिया की है जमीन साउथ दिल्ली है लेकिन टेरिटरी उस देश की है ठीक है जी थर्ड मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप इन अब्रॉड कोमल बेटा हर्षिता बेटा क्या लिखा मैंने मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप इन सुनो यू एन ओ के कहने पे किसी देश में दंगे हो रहे हैं वॉर हो गई तो यू एन के कहने पे हम अपनी मिलिट्री भेजते हैं कोमल बेटा जैसे पाकिस्तान में तुम भी नाम दे सकते हो पीयूष किसी देश में दंगे फैले हुए हैं पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरिया इराक ईरान तो यूएनओ के कहने पे हमने मिलिट्री भेजी या रिलीफ कैंप लगाए सही कोई नेचुरल कलॉमिटी आ गई हम रिलीफ कैंप लगाए मिलिट्री कैंप लगाए रिलीफ कैंप लगाए फिर वही जमीन तेरी है पानी तेरी है लेकिन उस कैंप के अंदर नहीं घुस सकता वो मेरी टेरिटरी है यस सर नो सर ओके मिल्ट जल्दी बोलो वही रिप्लाई कब आ रहा है अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष यस सर यथार्थ लीव हो गया दोबारा आ जाएगा इशू है अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष समझ आ गए बेटा हमने किसी देश में मिलिट्री कैंप लगाए रिलीफ कैंप लगाए क्योंकि नेचुरल कमिटी क्या रखी है जमीन पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान की लेकिन वो मैंने कैंप के अंदर नहीं सकता क्योंकि वो कैंप इंडिया की मिलिट्री का के है कैंप इंडिया का के रिलीफ कैंप है ठीक है जी ओके तीन चौथा तो एरोप्लेन शिप बस ट्रेन बाहर जाती है हमारी भाई आ गया ऑडियो तो, जुड़ता भाई की एक मिनट जी क्या लिखा बेटा एरोप्लेन शिप बस ट्रेन हमारी बाहर जाती है कुछ तो सुनना हमारा एरोप्लेन गया अमेरिका में जमीन अमेरिका की लेकिन प्लेन के अंदर नहीं घुस सकते पैसेंजर मिलिट्री क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है ओके ऐसे उनके प्लेन यहां पे आते हैं हमारी मिलिट्री अंदर नहीं घुस सकती हमारी पुलिस पैसेंजर नहीं हमारे एरोप्लेन इंग्लैंड में पानी तेरा हवा तेरा लेकिन उस एरोप्लेन के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि वो एरोप्लेन इंडिया की टेरिटरी है शिप बस ट्रेन ऐसी ठीक है ओके अंशुल, उनके प्लेन यहां पे आते हैं उनके शिप यहां पे आते हैं उनकी बस ट्रेन आते हैं हम उन लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि टेरिटरी होते, है। yes, no, होते हैं कोमल पीयूष आपने कभी ना कभी एयर ट्रेवल करा है पहले मेरी बात सुना अग्निदस तो अगरी का जवाब कैच करवाना अंशुल भाई हर्षिदा दीदी कोमल दीदी पीयूष भाई आपने कभी ना कभी ट्रैवल करा है एयर ट्रेवल सुन आपके टिकट पे लिखा हुआ है पहले मेरी बात सुनना आपके टिकट पे लिखा हुआ है सेवंथ कॉरिडोर तो कोमल तू कॉरिडोर में चल रही चल रही चल रही चल रही है जस्ट सेवंथ आता है तू अंदर टर्न हो जाती है वो तो प्लेन आ गया कोमल ऐसी होता है ठीक है तेरी टिकट में, में, तो, में चल रही है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में तो में अंदर, जाएगी, तो प्लेन के अंदर पहुंच जाती है ये पता है कौन सा प्लेन पहुंचती है अगर तू डोमेस्टिक ट्रेवल कर रही है या हमारा प्लेन है जो बाहर जाने वाला है हमारी टेरिटरी ओके हर्षिता कोमल पीयूष ओके ये जो एट्थ मैं एंटर करते ही तो प्लेन बैठ जाते हो अगर तब बैठते हो अगर डोमेस्टिक ट्रेवल हो रहा है या हमारा है, हमारा हमारा प्लेन है 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 विस्तारा जो जो बाहर बाहर जा जा रहा है, जेट जा रहा जेट एयरवेज अगर आपने ब्रिटिश एयरवेज में बैठना है लुफ्तानजा बैठना है तो आपको बस लेके जाती है ठीक कह रहा हूं क्योंकि उनकी टेरिटरी है उनसे पूछना पड़ता है अंशुल अगरी डसगरी हर्षिता कोमल पीयूष अग्री डिसअग्री जल्दी बोलो अग्री डिसअग्री अगर तू इंडिया में ट्रैवल कर रहा है बैठ जा चुप करके अगर हमारा प्लेन है बाहर जाने वाला है बैठ जा अग्री डिसअग्री अगर तू अगर तू बैठ रहा है ब्रिटिश एयरवेज में ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस में तो बेटा बैठ नहीं सकते आप बस में बैठोगे उनके प्ले में लेके जाता है क्योंकि उनसे परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि उनकी टेरिटरी है ओके कोमल दीदी यस सर रियल लाइफ की बात समझ आ गई ओके जी रियल लाइफ की बात समझ आ गई याद कर भाई ओके okay, अंशुल भाई हर्षिता कोमल पीयूष। पहला लैंड बाउंड्री एयर वाटर बारोनोटिकल माइल एमएससी, कॉन्सुलेट जिस भी देश में है बट, किसी भी देश में तेरी एम्बेसी कॉन्सुलेट है जगह पाकिस्तान के अफगानिस्तान की एम्बेसी मेरी होती है नेक्स्ट मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप तुम किस देश में लगाओ? रिलीफ कैंप इंडिया का है मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप इंडिया का है एरोप्लेन शिप बस ट्रेन बाहर जाते हैं अच्छा एक और बताता हूं बेटा पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है अंशुल और एग्जाम्पल देता हूं अंशुल भाई हर्षिता कोमल पीयूष पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है सुन तो बेटा पता क्या होता है हमारे एरोप्लेन तो बाहर जाता है शिप नहीं है बस ट्रेन जो है वाघा बॉर्डर पे आपको उतार देती है फिर आप थोड़ा सा पहले चलते हैं उनके ट्रेन ये बस से बैठ के जाते हो हाँ जी ओके अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष ओके प्लेन तो डायरेक्ट जाता है शिप हमारे की देश के बीच में नहीं है बस ट्रेन आपको वाघा बॉर्डर पे हमारी ट्रेन बस उतार देगी आपको मुश्किल से एक किलोमीटर चलना पड़ता है फिर उनका अटारी बॉर्डर आता है अटारी बॉर्डर आता है वहां से उनकी बस ट्रेन बैठते हो उनकी टेरिटरी में बैठते हो आगे बात समझ जी सर फिशिंग एरिया ऑयल प्लेटफॉर्म हमने एक्वायर करे इन एब्रॉड न्यूज कोमल अंशुल फिशिंग ऑयल प्लेटफॉर्म हमने करे खरीदे किराए पे लिए एक्वायर का मतलब है खरीदे या किराए पे लिए इन सुन मैंने फ्रांस में जर्मनी में फिश पकड़ने की जगह ऑयल निकालने की जगह किराए पे ले ली लीज पे ले ली लीज तीन साल कम से कम क्यों होती है मैक्सिमम नाइनटी नाइन ईयर्स की होती है ओके अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष हिंदी में बोलेगा लीज का मतलब किराए पे लेना ओके बेटा लीज का मतलब किराए पे लेना कम से कम तीन साल की होती है मैक्सिमम नाइनटी नाइन ईयर्स की होती है तो हम लोग ना बाहर फिश पकड़ने की जगह ऑयल निकालने की जगह किराए पे ले लेते हैं या खरीद लेते हैं ठीक है बेटा तो उस पांच साल में दस साल में वहां पर ऑयल निकले हवेल मछली निकले कोहिनूर निकले वो सब कुछ मेरा है, वो उस पीरियड तक मेरी टेरिटरी है ठीक है थी? ओके बेटी मैंने पांच साल की जगह ले ली अफगानिस्तान में दस साल की जगह ले ली मैंने फिश ऑयल निकालने की जगह ले ली रशिया में तो दस साल तक मेरी टेरिटरी है उसमें पानी निकले पत्थर निकले कोहिनूर निकले वो मेरी टेरिटरी है इन द सेम वे वो लोग यहाँ पे खरीदते हैं फिश की जगह ऑयल की जगह तो उनकी टेरिटरी हो जाती है बॉम्बे हाई में फिर नॉलेज बताया जाता हूं बॉम्बे हाई में काफी सारी जगह लीज पे ले रखी है रशिया ने ओके अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष बॉम्बे हाई में थर्टी या फोर्टी परसेंट इंडिया का है थर्टी फोर्टी परसेंट इंडिया का सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो जगह है वो रशिया ने लीज पे ले रखी है सत्तर साल में सत्तर साल के लिए तो उसकी टेरिटरी है हम नहीं घुस सकते ठीक है जी फिश ऑयल की जगह हमने बाहर ले रखी है वो मेरी टेरिटरी है फिश ऑयल की जगह उन्होंने यहां ले रखी है तो उनकी टेरिटरी है तो इन पांच को बोलते इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री अंशुल अंशुलर हर्षिता क्लियर कोमल क्लियर पीयूष क्लियर, क्लियर भाई रिप्लाई दे दो क्लियर है डाउट है क्योंकि तो इरेज कर रहा हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा रिप्लाई दे सचिन सर को सचिन सर क्लियर ना ना क्लियर ना भाई नहीं क्लियर रिप्लाई आ गया सबका ठीक है जी चलो फिर पूछ लेते अपने बच्चों से जब रिप्लाई आ गया क्लियर का तो फिर पूछते भी इकोनॉमिक टेरिटरी किसी भी देश की क्या होती है यू एंड रूल बनाएं। पहला जोग्राफिकल बाउंड्री का मतलब होता है लैंड बॉर्डर चलो मेरे शैतान बताओ एयर वाटर कितनी मारी है जल्दी बताओ अंशुल भाई भाई पीयूष एयर वाटर कितनी हमारी है जवाब आ रहा है सब सिर्फ इनका नहीं कोमल ने भी बोल रहे हैं हर हर्षिता ने भी बोल रहे हैं कितनी बारह नॉटिकल माइल चौबीस किलोमीटर हाँ। ओके जी दूसरा हिंड देता हूं बताना वो कौन सी जगह होती है जहां पे हम लोग वीजा लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेसन देते हैं जल्दी अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष वो कौन सी जगह है जहां पे हम लोग वीजा लेते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं जल्दी क्या बोलते हैं बेटा एम्बेसी पैसेंजर्स के लिए होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट होता है इन एब्रॉड वेरी गुड एम्बेसी कंसुलेट इंडिया की जहां पर ये है हमारी टेरिटरी है ओके okay. तीसरा अच्छा हमने सीरिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान ने कौन से कैंप लगाए हैं यूएनओ के यूएनओ के कहने पे जल्दी कोमल हमने क्या चॉकलेट बांटने वाले कैंप फ्रूटी बांटने वाले कैंप कौन से कैंप लगाए अंशुल मिलिट्री कैंप लगाए हैं हमने यूएनओ के कहने पे रिलीफ कैंप कहीं पे कोई नेचुरल कलॉमिटी आ गई अर्थ को एक सुनामी तो देश कोई भी हो हम कैंप लगाते हैं वो हमारी टेरिटरी होती है वो अंदर नहीं घुस सकते इन द सेम वे अगर वो यहां पे कैंप लगाते हैं भगवान ना करे कोमल भगवान ना करे कोमल कोविड बोर्ड बिगड़ गया तो तो यूएनओ कैंप लगाता है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में वो की तो उसकी उसकी टेरिटरी होगी ठीक है भगवान ना करे अगर कोविड बोर्ड बिगड़ जाता है तो कोई बाहर का देश हमें हेल्प देता है अमेरिका हेल्प देता है फ्रांस हेल्प देता है, है या कैंप लगाता है दिल्ली में लगाता है मुंबई में लगाता है बेंगलुरु में लगाता है जगह मेरी है कैंप में मैं नहीं घुस सकता क्योंकि रिलीफ कैंप उस देश का है उसकी टेरिटरी है हमने दो देश के बीच में क्या चलते हैं क्या चलते हैं बेटा ट्रेवल के लिए एरोप्लेन चलते हैं बस चलती है शिप चलता है ट्रेन एक्सेट्रा अच्छा। इन जिस मर्जी देश में जाए वेरी गुड हर्षिता मेरा प्लेन जहां मर्जी जाए टेरिटरी मेरी है पाकिस्तान अफगानिस्तान चांद में जाए जहां मर्जी जाए बस उस प्लेन के अंदर नहीं घुस सकते ठीक है अच्छा वो वो पांचवा क्या था हम लोग बाहर क्या खरीदते हैं पीयूष कोमल हर्षिता अंशुल हम लोग बाहर क्या खरीद लेते हैं फिश पकड़ने के जगह खरीदते हैं किराए पे लेते हैं ऑयल प्लेटफॉर्म हम लोग एक्वायर करते हैं या तो खरीद लेंगे जिंदगी भर के लिए या लीज पे लेंगे एक्वायर्ड इन एब्रॉड वो लोग यहां पे खरीदते हैं हम लोग बाहर खरीदते हैं इन पांच को तो बोलते हैं टेरिटरी ये पांच टेरिटरी किस देश की होती है Okay, अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष भाई छोड़ दो जल्दी रिप्लाई में डन 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 अंशुल पीयूष हर्षिता कोमल जल्दी बेटा यथार्थ का नेट इश्यू है मैसेज आ गया उसका जल्दी बेटा डन 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 ठीक है तो अंशुल जी हर्षिता जी कोबल जी, जी सुनिए आज हमने तीन चीजें लर्न करी टिप्स पे करी पहले मेरी बात सुना फिर क्लियर का जवाब देना फिर क्लास अप करेंगे आज हमने तीन चीजें टिप्स पे करी सबसे पहले हमने करा टू सेक्टर फ्लो उसके बाद हमने पढ़ा रियल फ्लो जाता है मनी फ्लो आता है नॉर्मली ऐसे स्पेशल एग्जांपल रियल गया रियल आया मनी गया मनी आया फिर तीसरा हमने करा इसी देश की टेरिटरी पांच को को मानते हैं क्या ये तीनों क्लियर मेरे बच्चों को आज अंशुल भाई हर्षिता दीदी कोमल पीयूष भाई आज हमने जो तीनों करे क्लियर है टिप्स पे हो गए कोई दिक्कत परेशानी होगी तो साथ साथ पूछ लिया करो नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो ठीक है बेटा क्लियर है बेटा ठीक है जी तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं आज की क्लास वाइंड अप करते हैं आज सैटरडे है ट्यूजडे हमारी क्लास टी थर्सडे सैटरडे होती है सैटरडे ट्यूजडे क्लास वाइंड अप होती है है और रिक्वेस्ट है जो हमने नेशनल इनकम की थ्योरी करी है दो या तीन क्लासेस में लर्न कर लेना ओके अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष ये हमने जो दो कई बच्चों की दो क्लास हुई है कई तीन क्लासेस हुई है थ्योरी की जो ये कर ले, टिप्स पे कर लेना ठीक है ना। बेटा ट्यूजडे मिलेंगे एज यूजल बाय बाय अंशुल हर्षिता कोमल पीयूष बाय बाय टेक केयर ट्यूजडे मिलेंगे अपने अपने टाइमिंग्स पे बाय बेटा टेक केयर